and inspiring. Thank you, Anshul sir. A great teacher is one who believes in thoughtful knowledge and imparting discipline as well as important knowledge to a student. Our next speaker on board believes in the same statement. I would like to call upon stage our chief mentor and founder of KCS Educate, Mr. Avnish Kumar Saxena. Sir, please. Good morning. लगता है आज गर्मी ज्यादा है बाहर का काम हो जाती है डिहाइड्रेशन भी हो जाता है गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर बिल्कुल मजा नहीं आया थोड़ा सा जो एनवायरनमेंट है अगर उसमें फ्लो नहीं होगा इलेक्ट्रिसिटी का तो कैसे इंजीनियर बनेंगे फिजिक्स तो बहुत जरूरी है स्ट्रांग होना और मैथमेटिक्स उसके ऊपर स्ट्रांग होना जरूरी है बिकॉज मैथमेटिक्स इज लैंग्वेज ऑफ इंजीनियरिंग सो कुछ जोश नहीं आया स्टूडेंट्स जहां जहां बैठे हुए हैं वो यस सर बोलेंगे कब जब मैं बोलूंगा यू आर द विनर और स्टूडेंट क्या बोलेंगे यस सर पेरेंट्स भी बोल सकते हैं क्यों क्योंकि जितना जोश होगा अभी आप सुन भी रहे थे लोगों को इंटरव्यू में कि एनवायरनमेंट ये बहुत बड़ा फर्क डालता है आप थोड़ी देर में देखेंगे यहाँ एक ऐसा एनवायरनमेंट हो जाएगा किसी का उठने का भी मन नहीं करेगा किसी का मोबाइल बचेगा तो उसको खुद भी गुस्सा आएगा कि क्यों बच गए भाई मेरा नहीं बजेगा क्यों मेरे पास है ही नहीं क्यों क्योंकि मेरे लिए ये लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण है हम जब कभी भी सेशन बिगिन करते हैं तो उस लेक्चर को लेते हैं अनफॉर्चुनेटली लास्ट टू इयर्स हम इस लेक्चर को नहीं ले पाए तो काफी ज्यादा लॉस हुआ है वो लॉस अभी हम जब 12th के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं यानी 2 months पहले हमने ऐसा लेक्चर लिया था और उस लेक्चर में कोशिश की थी उनको जगाने की लेकिन अभी तक 2 महीने से उसको जगा ही नहीं पूरे 2 months हो चुके हैं 150 स्टूडेंट्स हम लोग लेते हैं उसमें से 100 स्टूडेंट्स को जगा पाए हैं 50 स्टिल स्लीपिंग इतना ज्यादा मुश्किल भरा समय हमने जो गुजारा 2020 एंड 2021 में जो आपने खूब सारे मार्क्स पाए ऑनलाइन पढ़ाई कर करके उससे आपके चेहरे पे बहुत खुशी है मिठाई वाले की दुकान भी खूब चल रही है क्यों हर बार आसानी से 90% प्लस आ रहे थे एक बार तो केसीएस में जब हमने 10th का रिजल्ट देखा 10th में कई बच्चे यहाँ पढ़ते थे एक बार 10th का रिजल्ट देखा तो उस रिजल्ट को देखने के बाद तो लगा कि सारे बच्चे आईआईटी हैं एक भी बच्चे का नहीं सब आईआईटी जाएंगे 11th 12th में क्यों पेपर कैसा था जी ऑनलाइन मुझे तो लगता है कि शायद पेपर अगर आपको 3 hours का मिल रहा था तो वो 1 hour में सॉल्व हो जाता होगा क्यों क्योंकि कॉपी पेस्ट साइड में लैपटॉप रख लिया और बगल में मोबाइल और इधर से फोटो क्लिक की और उस पे पेस्ट किया और सॉल्यूशन मिल गया और आंसर तो मुझे तो लगता है कई स्टूडेंट ने 1 hour में भी टेस्ट दिया होगा रिकॉर्ड मतलब हासिल किया होगा कि 3 hour के टेस्ट को 1 hour में दिया काफी ऐसे डिस्कशन आज मेरे इस लेक्चर में होंगे क्योंकि 2020 और 2001 में सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं हम सबके दिमाग पे बोलते ना कहीं कार्बन जम गया है तो उसको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा और जब वो कार्बन हटेगा तो वापस से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना शुरू हो जाएगी और वापस से हम जैसे हैं वैसे ही दिखाई देंगे आज के इस लेक्चर में मैं बातें करूंगा कि कैसे कैसे बिहेव कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स कैसे बिहेव कर रहे हैं आजकल वाले पेरेंट्स यानी देखिए मोबाइल बजना शुरू हो चुके हैं अभी सब इम्पोर्टेंट है प्रॉब्लम ये है परचेजिंग पार्ट पैरिटी ऑफ इंडिया इतनी ज्यादा हो गई है कभी कभी मैं सोचता हूँ आपको लगेगा मेरी इस बात से कितना नेगेटिव इंसान है कि अगर सबके घर में एसी लग गया तो सोचिए क्या होगा कभी बैठ के सोचिए सबके पास एक कार हो गई चलाइए कहा कोई थिंकिंग प्रोसेस नहीं है चलो छोड़ो ये तो देश की और डेवलपमेंट की बातें हैं इसी को मैं एजुकेशन पे ले आता हूं जो जैसा हुआ आपके पास पहले सोचता था मैं सबके पास मोबाइल हो गया तो पढ़ाऊंगा कैसे ये सोचता था मैं 2013-14 में और वो प्रूव हो गया 2020 और 21 में ये प्रूव हो गया कि सबके पास अगर मोबाइल हो तो पढ़ाओ तो जाने की आप टीचर हैं सीरियसली मैं फेल हुआ 2020-2021 मैं नहीं कर पाया जो लोगों को लगता है मैं जादू करता हूं
मैं जादू नहीं करता हूँ, स्टूडेंट चमत्कार करता है। मैं तो सिर्फ एक कैटलिस्ट की तरह काम करता हूँ और वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी नहीं करता। कैटलिस्ट है, am I right or not? सिर्फ रिएक्शन की स्पीड को क्या करता है, इंक्रीज या डिक्रीज। कभी कभी स्टूडेंट को धमकाता हूँ, कभी कभी मोटिवेट करता हूँ, कभी डीमोटिवेट करता हूँ। ये सारे काम करने की वजह से स्टूडेंट चमत्कार करता है, वो कर ही नहीं पाए। वो जोश जो दिखना चाहिए था वो ऑनलाइन कैसे दिखता। ऑफलाइन क्लास में अगर किसी स्टूडेंट का मजाक उड़ाया जाता था तो बाकी 99% जो स्टूडेंट बैठे हुए थे वो खुश होकर अपना स्ट्रेस रिलीज कर लेते थे उसके मजाक पे, और जिसका मजाक उड़ाया जाता था वो दुखी होकर गुस्से में अगले क्वेश्चन पे सर को बताऊंगा, उसको जोश आ जाता था। तो एक्चुअली क्या होता था, 100% का फायदा होता था क्लास। अब ऑनलाइन ना तो मैं किसी का मजाक उड़ा पाया और मजाक उड़ाने भी नहीं दिया कई लोगों ने। कई लोगों से कहा हाँ भाई क्या, अरे भाई अमित क्या बात करोगे, धीरे से उसने मैसेज में लिख दिया नो माइक्रोफोन। मतलब बड़ा आसान था, मतलब झूठ बोलना तो आपने इतना फ्रीली हो गया, इतना ज्यादा। अभी देखेंगे आप स्टोरीज में जो सच्चाई से भरी स्टोरीज होंगी, क्यों, क्योंकि मैं आपको भगवान राम, गुरु नानक देव जी महाराज, ईसा मसीह जी की कहानियां ये सब नहीं सुनाऊंगा, मोहम्मद साहब की कहानियां ये नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि आप जाएंगे आपको मजा ही नहीं आएगा, क्योंकि अभी आपको सब लाइव चाहिए, दिखाई देना चाहिए। इस हॉल से बाहर लिखे देखे जाके तो वो कहानियां प्रूव हो जाएं। तो ऑब्वियसली पहले जो मैं पुराने जमाने में कहानी सुनाता था, अब उससे कहानियां बिल्कुल डिफरेंट है। क्यों, क्योंकि आपको हर चीज पे क्या चाहिए, हैंस प्रूफ। हर चीज के आखिरी में आपको क्या चाहिए, हैंस प्रूफ। जब तक नहीं होगा तब तक आप उस पर भरोसा नहीं करेंगे। यानी आपको लॉजिक चाहिए, आपको रीजनिंग चाहिए। दैट आई एम गोइंग टू शेयर ऑन इन ऑल ऑफ माय स्टोरीज, यू कैन गो एंड चेक इवन ऐसी कहानियां होंगी। मैं कहानियां और कविताएं सुनाता हूं और कोशिश करता हूं कि आपके माइंड को आप मैक्सिमम यूज कर लें। 100% वर्ड यूज नहीं किया, मैक्सिमम यूज कर लें। मैक्सिमम भी बेकार है, ऑप्टिमम यूज कर लें, ये वर्ड थोड़ा सा ठीक है। क्यों, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बताऊं, हनी बी में, हनी बी देखा होगा आपने, नेक्टर बनाती है, हनी बनाती है, राइट और नॉट? बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, कभी बायो पढ़ी होगी तो उसमें जाके आप थोड़ा अध्ययन करिए। हनी बी जो हनी बनाती है, नेक्टर जो बनाती है, उसका बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, जबकि हनी बी के पास सिर्फ 9,60,000 न्यूरॉन्स होते हैं। कितने न्यूरॉन्स होते हैं, 9,60,000, एंड यू कैन नॉट बिलीव आपके पास तो 86 बिलियन न्यूरॉन्स है। 86 बिलियन श्रीमान जी, 10% भी यूज कर लोगे तो पता लगा आइंस्टाइन बन जाओगे। अच्छा एक खास बात और देखिए, जिस एज पे आप इस रूम में बैठे हैं, इसी एज पे अलेक्जेंडर ने दुनिया को कब्जा करने का सोचा था। ये 14 से लेके 22 के बीच की रेंज की बात कर रहा हूं। इसी एज पे नेपोलियन ने भी सोचा, इसी एज पे न्यूटन ने भी सोचा, बट आपको मोबाइल खा गया। सबने मेहनत करके उधर मोबाइल बनाया, जिन्होंने बनाया, और आपको दे दिया। और आपको देने का मतलब एवरीबॉडी हैज मंकी माइंड। अभी सबका दिमाग कैसा है, बंदर के समान। और हम लोग एक मुहावरा भी यूज करते थे कि बंदर के हाथ में उस तरह दे दो फिर देखो क्या करेगा, और बस वैसा ही हुआ कि हमारे मंकी माइंड को उस तरह यानी मोबाइल दे दिया गया, और फिर देखिए हमने क्या क्या कमाल कर डाले। अभी स्टोरीज में दिखाऊंगा, पहले थोड़ा जोश लाता हूं जिससे एक मोमेंटम फ्लो करता दिखे। थोड़ी सी नेगेटिविटी से बात शुरू करूंगा, टीचर का काम ही होता है पहले थोड़ा सा धमकाना डराना और फिर सही रास्ते पे लाना, और उसके बाद सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव बात करना, फिर नेगेटिव होता ही नहीं जीवन में। एंड मैं तो मानता ही हूं कि सब कुछ पॉजिटिव होता है, तो फिर इसमें नेगेटिव क्या हुआ। नेगेटिव सिर्फ ये कि रियल स्टोरीज आपके सामने रखेंगे तो उस रियल स्टोरीज में कहीं कहीं अमृत निकलेगा तो कहीं कहीं पॉइजन यानी जहर भी तो निकलेगा भाई। समुद्र मंथन हम करने चलेंगे तो बहुत सारी चीजें निकल सकती हैं। सावधान, आपको अमृत लेने की कोशिश करना है। तो इस समुद्र मंथन को हम शुरू करें तो थोड़ा सा जोश आ जाए, ऐसा काम करते हैं। मैं कुछ बोलूंगा, यू आर द विनर, राइट? और आप क्या बोलेंगे, यस सर। ऐसा लगना चाहिए
कि नीचे वाले जो होटल के लोग हैं दौड़ते हुए आ जाएं कि क्या हो गया भाई, चलो देखिए जरा कहीं प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। ऐसा हम लोगों ने क्लासेस में भी शुरू कर दिया। हर लेक्चर में आप आएंगे तो कोई एक स्लोगन होगा, हर मंथ वो लगभग स्लोगन चेंज होता है 21 डेज पे, और हम लोग उसको जोश में बोलते हैं। क्यों? प्रॉपर एनवायरनमेंट किसी की भी लाइफ को चेंज कर सकता है। इतने सारे लोग इस रूम में बैठे हैं, थोड़ी देर में मैंने बताया आपको कि आपका मोबाइल रिंग हुआ तो आपको खुद पे गुस्सा आएगा, पड़ोसी पे नहीं। अरे क्यों बच रहे हो भाई, क्यों हम भूल गए स्विच ऑफ करना, क्यों साइलेंट करना भूल गए। हो सकता है कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हो तो अपना मोबाइल ऑन रख सकते हैं, क्योंकि डिपेंड्स। मैं बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं हूँ, मैं खाली इंसान हूँ, मैं बहुत ही खाली इंसान हूँ। इसीलिए पहले मैं अपने लेक्चर की शुरुआत से ही संदेश पेरेंट्स के लिए देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप फोन लगाइए, मुझसे मिलने का टाइम मांगिए, वो 2-3-4 ऑप्शन देंगे, उसमें से एक लीजिए और मुझसे मिलिए। मेरे पास बहुत सारा वक्त है, बिल्कुल खाली। तो पहले थोड़ा जोश बढ़ाए। Yes, sir. You are the winner. Yes, sir. बिल्कुल धीरे आवाज, ऐसे लगता है जैसे कि मतलब सबसे पहली चीज होती है, अगर सबसे पहली चीज अगर लाइफ में कुछ भी गुरु से चाहिए तो समर्पण, 100% भरोसा, 100% faith. You are the winner. Yes, sir. You are the winner. Yes, sir. You are the winner. Yes, sir. साहब अभी तो आपने पढ़ाया भी नहीं, अभी तो पूरा 11th बाकी है, 12th बाकी है, विनर कहां से हो गए? यही तो मैं बताना चाह रहा हूं, सपने देखना सबसे जरूरी चीज है। और हमने आपको यहां सोते हुए सपने देखने के लिए नहीं बोला, जागते हुए सपने देखने के लिए बोला। यानी जब आप सपने देखना शुरू करते हैं और पॉजिटिव सपने देखना शुरू करते हैं तो एक मेलाटोनिन नाम का पदार्थ होता है, और भी ऐसे कई हार्मोन्स होते हैं जो डॉक्टर्स हैं उनको पता है, कई सारे हार्मोन्स का सीक्रेशन होना शुरू हो जाता है। तो जब आप माइंड को पॉजिटिविटी थोड़ी देते हैं तो वो मल्टीप्लाई करके ज्यादा बना लेता है। इवन इफ यू वांट डिटर्मिनेशन, आपको अपना डिटर्मिनेशन लेवल हाई करना है तो भी डिटर्मिनेशन की जरूरत है। मतलब आप जीरो डिटर्मिनेशन लेके जाइए और सोचिए सर चमत्कार करेंगे, ऐसा कहीं कहानियां सुनाना शुरू करने वाला हूं मैं। लेकिन उससे पहले एक कविता, जो बच्चे जो पेरेंट्स मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं कविता कहानियों से बातचीत को अपनी रखता हूं, और कविताएं स्पेशली मैं स्टूडेंट्स के लिए लिखता हूं। जो ये लाइफ स्पैन है, यानी इस हॉल के अंदर सारे 14 से 20 या 18 के बीच के ही लोग होंगे, am I right or not? Yes. कोई है क्या 14 से कम? कभी कभी का चमत्कारी लोग भी आ जाते हैं कि 13 पे ही 10th कर लिया, साहब 12th पे ही कर लिया, ऐसे होते हैं। 14 से जो ये 18 के बीच की जो रेंज है, इट इज फुल ऑफ एनर्जी। इतनी एनर्जी है कि आप 3 घंटे सो के काम चला सकते हैं, और कुछ लोग तो आज 9 घंटे सो के आए, कई महान इंसान इसके अंदर बैठे होंगे। मेरे अच्छा एक और खास बात बताओ, अगर पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चे के बारे में सच्चाई जाननी है तो आप मेरे केबिन में उसके साथ बस आ जाइए और बैठ जाइए, फिर देखिए वो कैसे अपने दिमाग को पूरा सत्यता के साथ अपना मुंह खोलेगा और सब कुछ सच सच बोले रहेगा। ये एकदम फिक्स है, मेरे केबिन में 99.99% बच्चे सच बोलते हैं। पता नहीं क्या, वो कहते हैं ना वहां वेव्स पॉजिटिव हैं, तो जब एनवायरमेंट पॉजिटिव है तो वो सोच नहीं पाता, उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वो वहां पे नेगेटिव बात कर ही नहीं पाता। जो सच्चाई है, मतलब झूठ बात नहीं कर पाता, जो उसके अंदर है वही निकलना शुरू हो जाता है। अभी 2 महीने पहले मैंने लेक्चर लिया, पेरेंट्स को और बच्चों को जागृत कर दिया, बोला जब मैं 2009 में भिलाई आना शुरू हुआ, दिल्ली से मैं भिलाई आता था 2009 में, और जैसे जैसे 13-14-15 तक पहुंचा, 13-14-15 तक 90% पेरेंट्स मुझसे आके मिलते थे, 90%। लेकिन उसके बाद हालात ये होना शुरू हो गए कि अब 10% पेरेंट्स मुझसे मिलते हैं। कितना बिजी हैं हम सब लोग, टाइम ही नहीं है हमारे पास। अभी मेरी कहानियां आपको दिखाएंगी कि मदर भी जॉब करते हैं, फादर भी जॉब करते हैं, लेकिन बच्चे के लिए कुछ भी करेंगे क्योंकि उसको हम दुनिया में लाए। अभी हम आपको दिखाएंगे कि आपके पास 2 आंखें हैं, 2 हाथ हैं,
दो पैर हैं, बढ़िया दिमाग है, बढ़िया रिसोर्सेज है, लेकिन जिसके पास एक आंख नहीं है, एक पैर नहीं है, एक हाथ नहीं है, वो चमत्कार कर रहा है। क्यों? ये दिखाएंगे। पहले एक पॉजिटिव नोट से अपनी बात शुरू करते हैं, फिर कहानियां में मैंने बताया कहानियां पूरी रियल होंगी, जब रियल होंगी तो ऑब्वियसली उसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों निकलने वाला है, और आपको क्या एक्सेप्ट करना है? पॉजिटिव। एक कहानी, इस उम्र में जहां आप हैं 14 से 18, हम लोग भी जब होते थे तो आप बताइए तो 3 घंटे सो के काम चला सकते हैं, आप खाना मत दीजिए एक ही टाइम खिलाइए काम चल सकता है, आप 13-14 घंटे 15 घंटे भी पढ़ने के लिए बोलिए तो पढ़ सकते हैं, ऐसा पढ़ सकते हैं, अरे नहीं जी खेल भी सकते हैं, आप 13-14 आवर्स भी खेलने के लिए बोलिए तो खेल सकते हैं, 13-14 आवर्स पढ़ने के लिए भी बोलिए तो पढ़ सकते हैं, इतना ज्यादा एनर्जी है। बट अगर यही एनर्जी हम यहां जनरलाइज कर ले तो नोबडी कैन स्टॉप यू टू गेट द सक्सेस। एक और इंग्रेडिएंट है जो इस समय सबसे ज्यादा आपके अंदर है, वो है साहस, करेज। क्या है? साहस। अभी आपका दोस्त फर्स्ट फ्लोर से जंप करके दिखाए कि देखो मैं कूद सकता हूं और मुझे कुछ नहीं हुआ, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप भी कहेंगे जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं, आप भी जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पर कूद के दिखाएंगे, देखिए साहब मुझे भी कुछ नहीं हुआ भले ही चोट लग जाए, इतना ज्यादा करेज है आपके। तो करेज पे ही मैंने एक कविता बनाई है, जरा पहले उसको शेयर करता हूं फिर अपनी कहानियों पे आता हूं। जो है तुम्हारे पास साहस, कविता का शीर्षक क्या है? जो है तुम्हारे पास साहस। अच्छा लगे तो थोड़ा सा तालियां भी बजाइएगा, क्यों? क्योंकि मोटिवेटर को भी मोटिवेशन चाहिए, और मेरे को मोटिवेशन किससे मिलता है? स्टूडेंट से। मेरे को मोटिवेशन किससे मिलता है? नए नए लोगों से मिलने से। जब भी किसी नए इंसान से मिलता हूं, जैसे इससे मिला, तो कुछ ना कुछ इसकी अच्छी चीज लेने की कोशिश करूंगा मैं, इसके मुस्कुराने का तरीका, इसके बैठने का तरीका, इसके देखने का तरीका, इसका कपड़े पहनने का तरीका, वो नोटिस करके अपने पास रख लेता हूं, क्योंकि मेरे अंदर बहुत कमियां हैं और मैं कोशिश करता हूं कि हर इंसान की अच्छी चीज को देखता रहूं और अच्छी चीज को देखते देखते अपने पास कलेक्ट करता रहूं, तो शायद मैं भी कुछ अच्छा इंसान बन जाऊंगा, ऐसी मेरी सोच बचपन से अभी तक चली आ रही। लोग बहुत सारे कहते हैं अरे साहब मैं कहता हूं मैं एक सिंपल काम कर रहा हूं, कोई कहते नहीं साहब आप बहुत बड़े हैं, मैं कहता हूं मैं इंसानों वाला काम कर रहा हूं। हम लोग जन संस्था चलाते हैं, गरीबों की सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं, कोई आता है बोलता अरे क्या काम कर रहे हैं आप, कहता नहीं हम इंसानों वाला काम कर रहे हैं, हम कोई विचित्र काम नहीं कर रहे, हमने कुछ स्पेशल नहीं किया। दिस इज यू हैव टू थिंक कि आपको भी यही करना चाहिए, हम सबको भी यही करना चाहिए। सक्सेस अचीव करना एक सिंपल सा तो फॉर्मूला है, जो कर रहे हो उसमें डूब जाओ मिल जाएगी, इतना सिंपल फॉर्मूला, इतना इसके लिए 1.5 घंटे का मेरा लेक्चर सुनने की जरूरत ही नहीं। अगर ये क्लैरिटी है आपके पास कि इफ यू वांट टू अचीव द सक्सेस, अच्छा सक्सेस क्या है? हैप्पीनेस। हैप्पीनेस क्या? कि हम जो भी कर रहे हैं उसमें खुश हैं, आनंदित हैं, मजा आ रहा है, रिजल्ट की चिंता किसको है? तो चमत्कार होगा, रिजल्ट भी बेहतर आएगा। इन सब बातों पे आएंगे हम। इस समय क्या है आपके पास? साहस। सबसे ज्यादा क्या है? साहस। साहस मींस करेज। जो है तुम्हारे पास साहस, कविता का शीर्षक क्या है? जो है तुम्हारे पास साहस। करता है मन आज कुछ कर जाने को, करता है मन आज कुछ कर जाने को, इस दुनिया में एक नई दुनिया बसाने को। करता है मन आज कुछ कर जाने को, इस दुनिया में एक नई दुनिया बसाने को, जहां हो शांत समृद्धि और सुख, जहां हो शांत समृद्धि और सुख, मिट जाए लोगों के कष्ट और दुख। कर सकता हूं मैं ये अगर तुम साथ हो साहस। एवरीबॉडीज इंटेंशन। मोबाइल बजा, मोबाइल पे बात करते करते अभी हम किसी को कोई एडवाइस दे रहे थे खुद ही भूल गए, मैं पेरेंट्स की बात कर रहा हूं, अभी अभी किसी को एडवाइस दे रहे थे मोबाइल पे बात करते करते खुद ही भूल गए क्या इसको समझा रहे थे, फोन काटा भूल गए दूसरे काम में लग गए। स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, अभी अभी व्हाट्सएप पे संदेश आया था केसीएस एजुकेट से,
वो देखना की कोशिश कर रहे थे, तब तक देखा कि एक फेसबुक का भी नोटिफिकेशन है, उसको ऑन करा, उसपे कोई वीडियो था, उसमें चले गए, भूल गए कहाँ है वो KCS एजुकेट का नोटिफिकेशन, कहाँ है जो वहां से संदेश आया। इतना ज्यादा, बिल्कुल इतना ज्यादा आपको मुश्किल में डाल दिया इस मोबाइल ने। इसीलिए ये कविता की लाइन मुझे बड़ा मोटिवेट करती है कि काश एक ऐसी दुनिया बना दूं अपनी स्टूडेंट के साथ जहां पे जीरो मोबाइल, जीरो यूज ऑफ मोबाइल। और यही पहला संदेश पेरेंट्स को देने का प्रयास, स्टूडेंट को देने का प्रयास करता है मन आज कुछ कर जाने को, इस दुनिया में एक नई दुनिया बसाने को, जहां हो शांत समृद्धि और सुख, मिट जाए लोगों के कष्ट और दुख, कर सकता हूं मैं ये अगर तुम साथ हो साहस। पॉजिटिविटी बताने की कोशिश की गई है कि आपके पास करेज है, आपके पास पावर है, अगर आप ठान लें कि हमें मोबाइल यूज नहीं करना है जब तक जेईई एडवांस का एग्जाम नहीं दे देते, तो आप ऐसा कर सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पीवी सिंधु का नाम सुना होगा आपने, am I right or not? Yes, अरे भाई इंडिया की नंबर वन प्लेयर है, टॉप 10 प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड है, am I right or not? Yes, sir. पीवी सिंधु कई बार 6-6 महीने, 6-6 मंथ मोबाइल यूज नहीं करती है, और उसके कोच का मोबाइल यूज करती जब भी घर से किसी को बात कर रही, पर आपने तो 2 साल यूज कर डाला। कविता की आखिरी 4 लाइन और ये बताने के लिए कि आप क्या कर सकते हैं, फिर से कविता का शीर्षक याद दिलाते हैं, जो है तुम्हारे पास साहस, और है, इसीलिए कविता मैं आपके सामने रख रहा हूं। इस समय आपके पास करेज है, इस एज में भरा हुआ है, इस एज में आप जो चाहे वो चमत्कार कर सकते हैं। नहीं रुक सकता सूर्य प्रकाश फैलाने से, नहीं रुक सकता सूर्य प्रकाश फैलाने से, नहीं रुक सकती नदियां साहिल के रोके जाने से, नहीं रुक सकता सूर्य प्रकाश फैलाने से, नहीं रुक सकती नदियां साहिल के रोके जाने से, नहीं रुक सकते तुम आकाश को छू जाने से, छू सकते हो आकाश अगर तुम साथ हो साहस। गुरु इज अ पर्सन फ्रॉम वेयर इंपल्स ऑफ नॉलेज आर जनरेटेड, जहां से इंपल्स नॉलेज के जनरेट होते हैं। इसका मतलब ये नहीं गुरु एक जनरेटर हो गया जी, उधर से एक पाइपलाइन लगाई, वायर की पाइपलाइन लगाई है, वायर लगाया और स्टूडेंट में कनेक्ट कर दिया, आज ही आइए KCS एजुकेट सप्लाई एंजॉय IIT में गिरे। ऐसा नहीं होता, ऐसा होता तो 150 में से 150 स्टूडेंट सीधे IIT पहुंचते। Impulse of knowledge are generated and student and shish through whom impulse of knowledge are conveyed. ये कब होगा? जब 100% भरोसा होगा, 100% faith होगा, surrender, संपूर्ण समर्पण, जिसको हम और अच्छे से हिंदी में बोलते हैं, पूरी तरीके से पूर्णता समर्पित कर दिया। सर ने बोला है धूप में खड़े होने से मैथमेटिक्स बढ़िया होती है, तो बोले ही होगा आज तो धूप में ही पढ़ेंगे, लेकिन नहीं, इन भाई साहब को लॉजिक चाहिए कि ज्यादा धूप होगी, यूवी रेज है, 12 बजे के बाद ज्यादा यूवी रेज होती है, स्किन को नुकसान पहुंचा देती है, और पता नहीं क्या 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 कहा लिया, वो गूगल पे ढूंढ के बहुत सारा पढ़ डाला। सबसे ज्यादा तो डॉक्टर्स भी परेशान है हमारे टीचर्स के साथ साथ, डॉक्टर बेचारा दवा लिखता है, पेशेंट घर जाके उसको देखता है, उसके 10 साइड इफेक्ट देखता है, कहता है इससे हार्ट अटैक आ सकता है, किडनी खराब हो सकती है, लीवर भी खराब हो सकता है। डॉक्टर साहब के पास महीने भर बाद पहुंच गया, बोला साहब आपकी दवा से तो हम ठीक ही नहीं हो रहे। बोले क्या ली थी टाइम पे? नहीं सर, वो इसके साइड इफेक्ट थे तो ये वाली तो ली नहीं हमने, इसकी जगह ये लेनी। बोला आप ही डॉक्टर बन जाओ, यहाँ का आया है। सबसे ज्यादा डॉक्टर परेशान, और वैसे ही उसी लेवल पे हम लोग भी आजकल परेशान हैं। जरा देखिए, अभी 12th के बैच का मोटिवेशन लेक्चर लिया, 2 months हुए और हमने क्लास पढ़ाना शुरू की, 1 month के बाद मेरे साथ क्या हुआ वो आपके सामने रख रहा हूं, जिससे कि एक मैसेज आप तक जाए, बात समझिए। पहला मैसेज मैं क्लियर दे चुका हूं, PTM हम नहीं करते, आप जितनी बार चाहे मिलिए, हर दिन मिलने का टाइम है तो आ जाइए, मेरे पास है, मैं खाली,
फोन करिए, टाइम लीजिए, मिलिए। हाँ अब ऐसे नहीं कि साहब हम तो संडे को सुबह 5 बजे आएंगे, अरे वाह ये तो गलत हो जाएगा ना भाई। आप 3-4 ऑप्शंस लीजिए जो यहाँ से मिलेंगे, उसमें से एक आध ऑप्शन को सिलेक्ट करिए, जरूरत पड़े तो छुट्टी ले लीजिए। एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, उनका नाम नहीं लूंगा, वो एक दिन रात के 9 बजे मिलने आ गए, और मैं थोड़ा, ये पुरानी जमाने की बात है, तब मैं मतलब काफी 10 साल और छोटा मान लीजिए था, वो उससे उम्र में भी बड़े थे। आजकल तो कई पेरेंट्स मेरे बराबर है, 1-2 साल का डिफरेंस या छोटे भी हो गए, वो मिलने आ गए, मैंने उनको डांट लगा दी। लेकिन वो पुरानी पेरेंट्स थे, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, उनको डांट लगा दी, और उन्होंने कुछ नहीं बताया अपने बारे में, डांट सुनी और उनको स्ट्रिक्टली बोला 15 दिन छुट्टी ले लीजिए, घर पे बैठिए बच्चे के साथ, और उसको ये पढ़ाना है। उन्होंने 15 दिन छुट्टी ले ली, बच्चे को पढ़ाया, IIIT हैदराबाद में पढ़ लिया बच्चा। अभी क्या हो रहा है हमारे साथ जरा देखिए, हमने 27 मई को लेक्चर लिया अपनी क्लासेस शुरू करने के लिए, वो मार्च, नॉट मई, 27 मार्च को लेक्चर लिया, 12th के बच्चों को जागृत कर दिया, दिखा देंगे हम कुछ कर देंगे, अब दुनिया को बता देंगे हमें क्या दम है। लेक्चर लेने के बाद उनको जोश दिलाया कि भाई पहले 90% पेरेंट मिलते थे, अभी 10% भी नहीं मिलते, तो जो जोश में, मैं भी जोश में आ गया, सबसे मिलूंगा, बात करूंगा। तो यही सिलसिला शुरू हुआ 1 मंथ के बाद, यानी 27 मार्च को क्लास लेने के बाद 1 महीने बाद हमने पेरेंट्स से मिलना शुरू किया, और करीब करीब मैं 30% पेरेंट्स से मिला। उसके बाद जानते मैंने क्या किया, बाहर काउंसलिंग डेस्क पे आया, अपने जो काउंसलर बैठे थे उनको हाथ जोड़ के बोला, प्लीज मुझे एक भी किसी से मत मिलवाना, मैं थोड़ा ध्यान में जा रहा हूँ। And you would be surprised to know कि मैं पिछले एक वीक संन्यास के आश्रम में रह के आया हूँ। मोटिवेटर भी कई बार दिमाग गर्म हो जाता है ना भाई। अब लगा एनवायरमेंट, अब देख अगर यहाँ पूरा एनवायरमेंट ऐसा है कि कोई फोन पे बात नहीं करना चाह रहा है तो 99.99% को इंटरेस्ट नहीं होगा, चाहे इस समय किसी का भी फोन आ जाए। एनवायरमेंट इतना बड़ा फर्क डालता है चारों तरफ। अरे भी मुझे भी लगातार मोटिवेशन करना है, अगर मैं लगातार ऐसे लोगों से टकराता रहूं जो नेगेटिव बात कर रहे हैं, नेगेटिव बात कर रहे हैं, नेगेटिव बात कर रहे हैं, तो थोड़ी देर बाद मेरा भी दिमाग गर्म होगा, मुझे भी थोड़ा आइसोलेशन में जाना पड़ेगा। एक वीक में ऋषिकेश घूम के आया, आज स्टूडेंट से बोला कि भाई कोई डाउट पूछने मत आना, मैं थोड़ा सा ठीक होने जा रहा हूँ आपके लिए। अभी कल ही वापस आया, एक स्टूडेंट आया अपने पेरेंट के साथ, बोला सर मार्क्स नहीं आ रहे। मैंने कहा अच्छा बेटा बैठो, मैंने कहा क्लास समझ में आ रहा है, अब उसकी बातें सुनना, साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो गए आप, आपको ही नहीं पता कि अभी 1 सेकंड पहले सर को क्या जवाब दिया, अगले सेकंड में क्या दे रहे हो। बेटा आपको क्लास समझ में आ रहा है? हाँ सर वो तो समझ में आ रहा है। फिर क्या है सर? घर जाके कुछ समझ ही नहीं आता। मैंने कहा बेटा वो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो? हाँ सर हम सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा वो हमने सीक्वेंस बताया था कि जैसे ही हम कोई चैप्टर शुरू करें पहले एनसीईआरटी फिनिश कर दो, फिर जेई मेन की बुक फिनिश कर दो, फिर जेई एडवांस की बुक। ये संदेश आया है, दूसरा बच्चों के लिए, सुनते रहिएगा मेरी कहानियों में, बातों में संदेश आते रहेंगे पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी, कि मैंने आपको बोला था कि पहले एनसीईआरटी फिनिश करो, फिर जेई मेन फिनिश करो, फिर जेई एडवांस, तो आपने ऐसा किया? बोला नहीं सर। तो मैंने, आपने क्या किया? सर मैंने सोचा एनसीईआरटी की बजाय सीधे जेई मेन कर लेते हैं। वेरी गुड, आप तो एक कदम आगे आगे चल रहे। अच्छा बताओ बेटा कैसे जेई मेन सॉल्व की? सर वो जेई मेन की किताब उठाई, उसमें पीछे सॉल्यूशन दिए थे, तो पहला क्वेश्चन देखा, सॉल्यूशन देखा, दूसरा देखा, सॉल्यूशन देखा, तीसरा, सर पूरी किताब सॉल्व की थी। मैंने कहा फिर क्या प्रॉब्लम? सर मार्क्स नहीं आ रहे। मतलब उसने पेन भी नहीं चलाया पूरे एक चैप्टर खत्म होने में और बोल रहा है जी मार्क्स नहीं आ रहे। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, फिर भी मैं मोटिवेटेड, मैं थोड़ा मतलब शुरुआती दौर का पेरेंट्स मीटिंग चल रहा था तो जोश में, कोई कितना भी गलत बोले, कोई कितना भी नेगेटिविटी की बात करे, मैं पॉजिटिव रहूंगा, मैं जोश में था। अगर आप फीडबैक लेंगे मेरा, काउंसलर्स जो भी यहाँ पे एडमिशन देखते हैं लोग, वो बताएंगे कि शुरू के दिनों में बड़ा मोटिवेटेड खुश था, और बोला और बोला और मिलूंगा। मैंने पूछा बेटा आप कितनी देर पढ़ते हो दिन भर में? सर 2 घंटे। कल कितने बजे सोए? 11 बजे। सुबह कितने बजे उठे? 9 बजे।
मैंने पूछा बेटा बीपी की प्रॉब्लम है क्या, शुगर कुछ टैबलेट्स लेते हो क्या, कुछ और प्रॉब्लम है क्या? कोई नहीं। मैंने कहा बेटा आप एक काम करो, यहां से छोड़ दो। नहीं सर छोड़ेंगे नहीं, हमें तो करना है। मतलब आप पूरी उसके बात को समझने की कोशिश करिए। अभी थोड़ी देर गुजरी थी, उसके पेरेंट फिर से बीच में बोल पड़े, सर आप ये सब नेगेटिव बातें कर रहे हो। पेरेंट्स ने अगला जवाब दिया, आप नेगेटिव बातें कर रहे हो, सर थोड़ा पॉजिटिव बात करिए, तो उसके मार्क्स नहीं आए। मैंने कहा अच्छा जी। फिर पेरेंट्स की तरफ में मुड़ा, मैंने कहा अच्छा आप मोटिवेशन लेक्चर में आए थे? हाँ सर आए थे। मैंने आपको बोला था जीरो यूज ऑफ मोबाइल, क्या हुआ? सर इसने मोबाइल वापस ले लिया। मैंने कहा वेरी गुड, लेकिन सर इसके पास टैब है, सिम लगा हुआ है। तो भैया आज के मोटिवेशन लेक्चर में मुझे बोलना पड़ेगा जीरो यूज ऑफ ऑनलाइन डिवाइसेस, राइट और नॉट? नहीं तो इसमें से भी कोई पेरेंट आके बोले साहब आपने जो बोला वही किया है मेरे बच्चे ने, तो साहब उसके पास टैब है और वो भी उसमें सिम लगा हुआ, वाईफाई मिनी सिम, यानी इंडिपेंडेंट, आई एंजॉय वाईफाई एज मच यू वांट। बेचारा 6 से 7 घंटे, मैंने पूछा बेटा कम से कम कितना टाइम आप टैब पे खर्च कर लेते हैं? बोला 6 to 7 hours। 6 to 7 hours टैब पे हो गए, 11 से 9 तक सोना, 10 घंटे सोना। मतलब आप क्या सोच रहे हो, कोई मैं स्वामी जी हूं ऐसे करूंगा तरंगे निकलेंगी और आपके दिमाग में जाएंगी और फिर आप एकदम IIT? अच्छा बेटा आपको क्या चाहिए? सर IIIT चाहिए। लो व्हाट आर यू थिंकिंग? दूसरे पेरेंट आए, आते ही भड़क गए, सर 9th से मेरा बच्चा आपके पास पढ़ रहा है, आप क्या कर रहे हैं? इसके बहुत खराब मार्क्स हैं, पहले चैप्टर में सिर्फ 100 में 10 मार्क्स लाया, एकदम भड़क गए। लेकिन मैं तो सुपर कूल, लोगों को लगता है कि मैं एकदम कूल है, तो नहीं, मैं भी कभी भी गरम हो जाता हूं, इतना ज्यादा आप गरम करेंगे तो फिर तो हो ही जाएगा, मैं एकदम सुपर कूल। मैंने कहा अच्छा जी। अभी वो खत्म ही हुए थे, मैंने बच्चे से पूछा बेटा क्या समझ में आ रहा है? बच्चे ने आवाज नहीं निकाली मुझसे, बेटा आपसे हो नहीं पाएगा क्योंकि आपके सिर्फ 10 मार्क्स आए हैं, छोड़ दो। नहीं नहीं हम सर करेंगे। अभी बच्चे से बात ही कर रहा था कि माताजी भड़क गई बीच में, बोला सर सुना है आप बहुत, नहीं उनका उनका डायलॉग भी सुनिए, इसलिए मैं पहले से चीख दिया कि मैं बिल्कुल खाली इंसान हूं, आप टाइम लीजिए मिलिए। उन्होंने तुरंत बोला सुना है आप बहुत बिजी इंसान हैं, मेरे बच्चे को भी टाइम दे दीजिए, मेरे बच्चे का भी जीवन का सवाल है। फिर भी मैं कूल बना रहा भाई, मैंने कहा नहीं भाई मेरा परीक्षण हो रहा है, मेरा टेस्टिंग हो रहा है, मुझे कूल रहना, मैं कूल रहा। फिर मैंने अपने को संभाला और मैं समझ गया कि ये सब मोबाइल से घायल व्यक्ति, मतलब बच्चा ही नहीं तीनों मोबाइल से घायल व्यक्ति है, इनसे अभी बात करना बहुत रिस्की। मैंने बच्चे से बोला बेटा जाओ सैटरडे आना मेरे पास, यानी वो थर्सडे आया था, आप सैटरडे आना, अलग से बैठना, मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा, डाउट डिस्कस करना। अभी सैटरडे बच्चा आया नहीं, सैटरडे फिर पिताजी चले आए बच्चे के साथ, बोला सर आपने बोला था इसको सैटरडे बुलाएंगे आप। मैंने कहा भाई मैंने इसको सैटरडे बुलाया था? बच्चा बोला हाँ बुलाया। बोले आया क्यों नहीं? सर वो कोई छोड़ने वाला नहीं था, पापा उसके डांटते मेरे ही सामने। अरे ये खुद आया चाहेगा, छोड़ने वाला तब तो मिलेगा, आने नहीं चाह रहा था। वो गुस्सा हुए, अपने बच्चे को लेके चले गए। थोड़ी देर में पीछे से माताजी आ, अब वो आके फिर भड़क गए मेरे ऊपर। माताजी इस बार बोले आपने बच्चे को बोला था सैटरडे बुलाएंगे, आपने बुलाया नहीं? भाई मैं बुलाया था। बोले आप कैसी बातें करते हैं, अब मुझे कैसे पता आपने बुलाया? मतलब मैं कहूं मैं कहीं फंस गया हूं। उस चक्कर में क्या हुआ, एक दो पेरेंट्स जो बेचारे कूल वाले थे उन पे मैं भड़क गया। होता ही ना भाई, जो बेचारा अच्छे से बात कर रहा है, आप कहीं तो जो अभी अभी नॉलेज ज्ञान आपके पास आया है कहीं तो उड़े लेंगे। एक और फिर मैं बताता हूं, तीनों ही केस पॉजिटिव है, समय गुड न्यूज पहले बता दूं, वो तीनों ही बच्चे बहुत बढ़िया कर रहे हैं, सिर्फ वो इस वजह से कि मैं धैर्य बनाए रहा। एक और पेरेंट, वो भी उनका भी बच्चा 9th में हमारे पास से पढ़ रहा, और 9th से पढ़ते पढ़ते वो भी आके भड़क गए,
कि साहब नाइन्थ से बच्चा पढ़ रहा है, क्या पढ़ाते हैं? वो तो यहाँ तक मेरी क्वालिफिकेशन भी पूछ बैठे इस बार। मैं फिर भी धैर्य बनाए रखा कि भाई 96 में मैंने पहला आईआईटी जेई तैयारी करने वाले स्टूडेंट को पढ़ाया था, 2022 में पहुंच गया, पिछले 10 सालों में किसी ने क्वालिफिकेशन नहीं पूछी, और ये ऑनलाइन ने मेरी क्वालिफिकेशन भी लगता है लगानी पड़ेगी, एक बोर्ड लगाना पड़ेगा अपने पीछे कि भैया मैं यहाँ यहाँ से पढ़ा हुआ। वो इतना बढ़ गए कि बोले साहब नाइन्थ से पढ़ रहा है, क्या पढ़ाते हैं मेरे बच्चे की, कोई मार्क्स नहीं है, ये है वो है। लेकिन मैंने बताया केबल में बच्चा आएगा तो एकदम 99.99% सत्य बोलता है। मैंने कहा बेटा खुल के बताओ प्रॉब्लम क्या है, पापा आपके गुस्सा हो रहे हैं, फिर मैं भी गुस्सा हो जाऊंगा तो सब खराब हो जाएगा, आपके लिए आखिरी मौका है, खुल के बताओ क्या प्रॉब्लम है। उसने बताया सर क्या हुआ कि जब ऑनलाइन क्लास शुरू हुई तो हमने कुछ वीडियो देखना शुरू कर दिए जो हमें नहीं देखना चाहिए। बच्चा बता रहा है कि हमने कुछ वीडियोस देखना शुरू कर दिए जो हमें नहीं देखना चाहिए, और वो वीडियो देखते देखते हम इतने ज्यादा इंडल्ज हो गए हैं कि वो अपने को उसमें से निकाल ही नहीं पा रहे। अब तीनों केसेस की कहानी इस समय की करंट सुनिए। तीनों लोग इस समय एक 50 प्लस मार्क्स ला रहा है, एक 60 प्लस और एक 70-80 में मार्क्स ला रहा है इस समय आउट ऑफ 100। क्या बीच वाले बच्चे का पहले बताता हूँ, जिसकी माताजी अलग आए फिर पिताजी अलग आए बहुत बढ़ के, वो आके मुझे बताए उनके पेरेंट्स कि सर ये 2 साल से घर में किसी से बात ही नहीं कर रहा, अपने रूम में जाता है और वहीं पढ़ता रहता है, जब खाने के लिए बुलाओ तो खाना के लिए आ जाता है, फिर अपने रूम में बात ही नहीं कर रहा। तो मैं उस बच्चे को बुलाया, मैंने कहा बेटा क्या प्रॉब्लम है, मैं उसको पहचान लिया था उसकी प्रॉब्लम क्या, पेरेंट के सामने नहीं बोली, मैंने कहा तेरा बेटा, मैंने कहा उल्लू बना रहे ना हम लोगों को, बोला हाँ सर, उसने बोला, मैंने कहा पेरेंट्स को भी बेवकूफ बना रहे, हाँ सर, माय गॉड। फिर मैंने उसको बैठाल के 10-15 मिनट काउंसलिंग की, उसको समझाया और फिर उसको ऐसा कुछ सीक्रेट बताया अपने बारे में, उसके बाद आज उसकी यह हालत है 50-60 में मार्क्स ला रहा है जो 10 नंबर पे था। मतलब इस कदर मोबाइल ने इफेक्ट डाला है, हम सोच रहे हैं हमारा बच्चा 3 बजे तक अपने रूम में बैठा हुआ है और पढ़ रहा है, नहीं आप गलत सोच रहे हैं। मेरी भी भांजी इसी हॉल में बैठी हुई है, मेरे ही पास रहती है, मैं उसके रूम में कभी भी घुस जाता हूं, एनी टाइम, मुझे कोई रोक टोक नहीं है। पेरेंट्स को ऐसा ही बनना पड़ेगा इस मोबाइल जमाने से अपने बच्चे को बचाने के लिए। जीरो यूज ऑफ मोबाइल, मेरे पास मिलने का बहुत सारा टाइम है, पहले एनसीईआरटी फिर जेईई मेन फिर जेईई एडवांस की बुकलेट सॉल्व करनी है। पेरेंट्स को घर में एक एनवायरमेंट क्रिएट करना है, और वो एनवायरमेंट क्या है कि हम भी मोबाइल नहीं यूज करेंगे, आप भी नहीं करेंगे। अगर आप बहुत बड़े पद पे नहीं है जहां 24 आवर्स आपकी जरूरत है, वहां तो ऑब्वियसली मोबाइल ऑन रखना है, एक नंबर ऑन रखना है, लेकिन क्यों ना घर में एक ऐसा एनवायरमेंट बनाएं कि खाना खाते समय हम टीवी नहीं देखेंगे, मोबाइल नहीं टच कर सकते, हम घर में आएंगे तो इस टाइम के बाद कोई मोबाइल यूज नहीं कर सकते। आप देखिए बिल्कुल बदल जाएगा। एक बच्चे ने 7 दिन जब मोबाइल यूज नहीं किया, आके बोला सर ये क्या कर दिया आपने, सर सुबह 5:30 बजे उठ जाते हैं हम अपने आप, दौड़ने चले जाते हैं, फिर दिन भर तो इतना टाइम लग रहा है सर, हम बहुत खाली है और 7-8 घंटे तो पढ़ ले रहे हैं उसके बावजूद भी खाली। आप सोचिए, चिंतन करिए और इस पे एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस घर में करिए, आपस में बैठ के डिस्कशन करो कि भाई घर में मोबाइल का यूज कैसे होगा। स्पेशली घर में दादी जी दादाजी हैं, उनको भी समझाओ कि व्हाट्सएप पे नहीं भरोसा करो, आप अपनी जीवन की कहानियां बच्चों को सुनाओ, आपके साथ हुई रियल घटनाएं बच्चों को सुनाओ, वो मोटिवेट करेगी, वो जागृत करेगी। जरा देखिए कुछ लाइव स्टोरीज में चलें और समझने का प्रयास करें कि क्या है गुरु, क्या है शिष्य यानी स्टूडेंट, क्या है कमिटमेंट, क्या है मेहनत, क्या है खुशी, क्या है सक्सेस, ये मेरी इन सब कहानियों में आपको मिलने वाली है। सचिन तेंदुलकर का नाम तो सुना होगा, am I right or not? Yes, sir.
एक तो मेरी कहानियों में खिलाड़ी होंगे, दूसरे जिसके पास आंख नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं, ये लोग होंगे। आप कहेंगे साहब इन सबको क्यों लाते, मैं यही तो दिखाना चाहता हूं कि खिलाड़ी 13 घंटे खेल सकता है, आप 13 घंटे पढ़ नहीं सकते। मतलब आप सोच के देखिए, एक खिलाड़ी 13 आवर्स खेल सकता है और आप 13 आवर्स पढ़ने के लिए कह रहे 13 आवर्स, इतना घंटे पढ़ना। कोई मुझसे पूछा मैक्सिमम कितने टाइम पढ़े कि आईआईटी पहुंच जाएंगे, अनलिमिटेड है उसका जवाब। कितना पढ़ना है, अनलिमिटेड, जितना हमारे पास काम है आप पढ़ते चले जाएं, खुश होते चले जाएं। हाँ, अनलिमिटेड आप कब पढ़ पाएंगे? एक खिलाड़ी अनलिमिटेड कैसे खेलता है? क्योंकि वो अपने फेवरेट काम को कर रहा होता है। अगर अभी भी आपको लगता है कि JEE की तैयारी आपका फेवरेट काम नहीं है, तो इमीडिएटली अपने पेरेंट्स से डिस्कस करो और इसको छोड़ो, किसी और चीज में चलो जो आपका फेवरेट काम है। क्यों? तभी आप उसमें क्या कर पाएंगे, इंजॉय। एंजॉय नहीं बोला मैंने, क्या बोला, इंजॉय। और जब आप इंजॉय करेंगे तो वह चमत्कार करेंगे। सचिन तेंदुलकर के कितने सारे गुरु थे, और यहां आजकल पेरेंट्स क्या कहते हैं साहब, जब मेरे से मिलने आते हैं, बेस्ट स्कूल में एडमिशन तो करा दिया साहब, बेस्ट कोचिंग में पहुंचा दिया, अब हम क्या और कर सकते हैं भाई, हम क्यों और करें कुछ, सब कुछ तो बेस्ट करा दिया, अब ये जाने इसका काम ना। बोले जी फ्रीडम, बोले और एक आध तो पेरेंट्स मुझे बता दे भी है, सर आपको कुछ नहीं पता, यूएस में भी तो पेरेंट्स बच्चों को फ्रीडम देते हैं। अरे वाह साहब, कौन से कंट्री का नाम ले दिया, उस कंट्री के पास इतनी ताकत की पूरे 33 करोड़ लोगों को खिला दे खाना, सुबह शाम दोनों टाइम बैठा लिए बिना काम किए। आप किस कंट्री की बात कर रहे हैं जहां 16 इयर्स में बच्चे को सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए सिखाया जाता है, यानी 16-17 इयर्स में वो जाके पिज्जा कॉर्नर पे पिज्जा 2-3 घंटे काम करके अपनी पॉकेट मनी खुद कमाता है। आप किस कंट्री से अपनी कंट्री को कंपेयर कर रहे हैं जहां आप उसकी ग्रेजुएशन की पढ़ाई, उसके बाद उसकी शादी, उसके लिए घर भी छोड़ेंगे बना। आप उस अपनी कंट्री को ऐसे कंट्री के साथ क्यों कंपेयर कर रहे हैं जहां बच्चे को 16-17-18 पे सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए कहा जाता है। सचिन तेंदुलकर साहब 11 साल की उम्र से में जब पहुंचे, कहा तो ये जाता है कि वो 4-5 इयर्स की उम्र पे ही बैट पकड़ने लगे थे, तो आप भी बोल देंगे एग्जाम अभी तो बैट जब छोटे थे तो बैट लेके निकल पड़ते थे घर से, तो साहब हमें भी क्रिकेटर बन जाना चाहिए। यही मैं बता रहा हूं ना कि ये जो एज थी, जो जिस एज के 2 साल हमारे निकले, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया हमारे साथ। यही तो सबसे महत्वपूर्ण एज थी जहां फुल ऑफ एनर्जी थे, जहां फुल ऑफ करेज थे, या कोई भी काम हमें दिया जाता तो हम आसानी से चमत्कार कर सकते थे। वो 11 इयर्स की एज पे कहां पहुंच गए, उनके भाई अजीत तेंदुलकर उनको लेके रमाकांत आचरेकर जी के पास पहुंच गए। यानी अगर आप गौर से देखिए तो उनके गुरु कौन बनने की कोशिश कर रहे थे, उनके बड़े भाई। क्या हम अभी से ही सरेंडर कर रहे हैं, आप बेस्ट कोचिंग में दे दिया आप क्यों, हम देखिए अब आप देखिए आप जाने ये जाने, ऐसा नहीं होता। अजीत तेंदुलकर उनको रमाकांत आचरेकर के पास लेके गए और वहां ले जाके उन्होंने बोला कि साहब इसका टेस्ट लीजिए, ये बढ़िया बैटिंग करता है। बैटिंग करना शुरू की, पता चला रमाकांत आचरेकर जी के पास जब वो बैटिंग कर रहे थे, बैटिंग करने में जो नेट प्रैक्टिस में जब उनका टेस्ट हुआ तो उसमें फ्लॉप हो गए। आचरेकर साहब ने बोला नहीं भाई ये क्रिकेट नहीं खेल सकता, इसको ले जाइए। लेकिन अभी रमाकांत आचरेकर गुरु नहीं बने थे, अभी गुरु कौन था, अजीत तेंदुलकर, यानी उनका बड़ा भाई। उसने समझा कि ये एक इतने बड़े कोच के पास आया है, इसको देख के ये प्रेशर में आ गया है, इसीलिए बैटिंग नहीं कर पाया। तो इसीलिए अजीत तेंदुलकर ने बोला रमाकांत आचरेकर जी से, प्लीज एक मौका और दे दिया। उन्होंने बोला नहीं, 1 साल बाद आना, इसको और खिलाओ। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की, बोला नहीं प्लीज इसको एक मौका दीजिए, एक बार और इसका प्रैक्टिस दीजिए, बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप देखना मत, आप दूर से देखना। तो रमाकांत आचरेकर जी एक पेड़ के पीछे जाके छुप गए और वहां से उन्होंने उसके खेल को दोबारा देखा, हर एक बॉल को उसने हिट कर दिया। रमाकांत आचरेकर खुद देख के आश्चर्यचकित रह गए, क्या बढ़िया खेलता है। और फिर उन्होंने उसको सेलेक्ट किया, यानी पहले गुरु उसके पिताजी थे, उनके बारे में बताना भूल गया, वो पोएट थे, वो राइटर थे। उन्होंने बोला कि बेटा जो अच्छा लगे वो करो, यानी उन्होंने सबसे पहले सीख क्या दी, जो अच्छा लगे वो करो, लेकिन उस पर डूब जरूर जाना।
उसमें 100% देने की कोशिश कर। यानी अभी अगर हम इस लेक्चर को सुन रहे हैं तो 100% इसमें इन्वॉल्व हो जाए। यानी उनके पिताजी ने उनको क्या सिखाया, ईट क्रिकेट, स्लीप क्रिकेट, ड्रीम क्रिकेट, प्ले क्रिकेट, डू एवरीथिंग फॉर द क्रिकेट। यानी जब आप सो रहे हैं तो भी सपने किसके आने चाहिए कि हम उस समय क्या वसीम अकरम बहुत फेमस बॉलर था पाकिस्तान का, कि उसकी बॉल को हिट कर रहे हैं। जब आप खेल रहे हैं तो ऑब्वियसली क्रिकेट ही खेल रहे हैं। जब आप खा रहे हैं तो भी आपके दिमाग में चलना चाहिए, अच्छा उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसे भी तो हो सकता था, वाह मजा आ गया, और चलो जी आप खाने में बहुत मजा आ रहा है, क्यों, क्योंकि कल सर को ये वाला सॉल्यूशन बताएंगे तो सर भी आनंदित हो जाएंगे। डू ऑल द थिंग्स फॉर योर गोल। इतना ज्यादा अपने को इन्वॉल्व कर लो कि चारों तरफ हर चीज हमें अपने गोल से जुड़ी हुई नजर आने लगे, then nobody can stop you to get the success. And success, you know what? Happiness. सचिन तेंदुलकर के साहब को happiness इसमें नहीं आ रही थी कि अभी वो वर्ल्ड कप खेलेंगे, happiness इसमें आ रही थी कि आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज हम आनंदित हैं, आज हमने प्रैक्टिस मैच में या नेट प्रैक्टिस में हमने हर बॉल को हिट किया, आज हम अपना 100% देंगे, आज हम खुश हैं। जब रमाकांत आचेकर साहब ने सेलेक्ट कर लिया, नहीं अब मिले उनको दूसरे ग्रुप, पहले पिताजी, फिर बड़ा भाई, और अब कौन मिला, रमाकांत आचेकर। थोड़ा सा सचिन तेंदुलकर को लगता था एक गुरु बीच में और आ रहा है। मैं ये दिखाने चाह रहा हूं कि गुरु कितने हैं, कौन है सब, कैसे कोई स्टार बन रहा है, कैसे कोई अपने जीवन में सक्सेस अचीव कर रहा है। सचिन तेंदुलकर फास्ट बॉलिंग भी करते थे, आपको शायद पता ना हो तो मैं बताऊं, तो वो फास्ट बॉलिंग करना सीखना चाह रहे थे, तो वो पहुंच गए एमआरएफ चेन्नई में जो एकेडमी है वहां पे पहुंच गए, और जो फेमस ऑस्ट्रेलियन बॉलर था उसको बोला, डेनिस लेली को बोला कि साहब हम बॉलिंग सीखना चाह रहे हैं। डेनिस लेली ने उसको कुछ दिन रखा, उसके बाद बोला गेट आउट। मेरा भी मन ऐसे ही करता है, पता है 150 में कई बार 10% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मेरे पास आते हैं और बोलते हैं मुझे पढ़ाओ तू जाने। बिल्कुल आते हैं वो 10% ऐसे आते हैं मुझे पढ़ाओ तू जाने, मेरा भी मन करता है। और अच्छा हाँ, बड़ा स्पष्ट बोलता हूँ, मेरे केबिन में एकदम सत्यता का आदान प्रदान होता है, बिल्कुल स्पेशली मेरे और स्टूडेंट के बीच मैं क्लियरली बोलता हूँ, बेटा आप छोड़ दो आपसे नहीं हो पाएगा, मैं बहुत सही बोलता हूँ। और कई बार स्टूडेंट्स ये कहता हूं, कम एंड शेयर योर सीक्रेट्स, टेल मी, आई एम अ न्यूट्रल पर्सन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर सैलरी आफ्टर बीटेक, मुझे तो बस एक ही खुशी चाहिए कि यू आर हैप्पी इन योर लाइफ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी है, यू कैनॉट बिलीव कि इससे बड़ी खुशी मैं तो मानता हूं कि द थिंग्स विच वी पीपल आर डूइंग एज ए टीचर हियर इन KCS और इन स्कूल और एनीवेयर इन कॉलेज, अगर वो सब इस काम को अपने काम को देखे तो बड़ा खुशी मिलती है जब मुझे पता लगता है कि मेरा स्टूडेंट MIT USA में पढ़ रहा है और वहां एक्सेल कर रहा है। तो आप समझिए बात को, आप अपनी 100% चीज शेयर करिए। स्टूडेंट से अभी एक और सूचना आती हुई कि आप 100% चीजें बताइए, क्या आपको रोक रहा है, कैसे आप मुश्किल में आ रहे हैं, मुझे बताइए, कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालेंगे। एक स्टूडेंट मेरे पास आई, बोली सर वो मुझे बनना है डॉक्टर, मम्मी पापा ने आप क्या पढ़वा दिया, 11th में मैथ्स भी ले ली, फिजिक्स भी ले ली, उसको बुलाया, उसके मम्मी पापा को बुलाया, डांटा, समझाया, वो ले गए, आज बढ़िया डॉक्टर, फेमस। अभी इसी 12th के बैच में जो चल रहा है अपने पास, एक बच्चा मैंने देखा, बड़ा ही पता नहीं कि उससे देखने से ही लग रहा है ये बच्चा कुछ जबरदस्त चमत्कारिक लग रहा है, लेकिन ये पढ़ नहीं पा रहा है। तो एक दिन ऐसे ही मैं अपने काउंसलिंग डेस्क पे बैठा हुआ था, तो मैडम ने बताया, सर आप इस बच्चे को जानते हैं, मैंने कहा हाँ अपने ही क्लास में है, जानते तो हैं, नहीं सर आप नहीं जानते, ये बहुत बढ़िया क्रिकेटर है। मैंने कहा मुझे भी लगा था कुछ तो है इस बच्चे में, ये मेरे क्लास में क्या था ना। उसके पेरेंट्स को बुलाया, उसके पेरेंट्स को समझाया और बोला इसको भाई क्रिकेट पहले खेलने दो, अभी वो क्रिकेट खेल रहा है, मेरी क्लास से अटेंड करता है। आप आके मिलिए, आप शेयर करिए क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज है जो आपको रोक रही है, मैं एक न्यूट्रल वे में वो सजेशन दूंगा और आपको सही पाथ पे ले जाने की कोशिश करूंगा जहां से आप आसानी से सक्सेस अचीव कर। और सक्सेस का मतलब क्लियर है, आज इस लेक्चर को सुन रहे हैं, इसी में डूबे हैं,
और यही हमारे लिए आनंद है, यही जीवन है, यही सब कुछ है। इस हॉल के बाहर क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इससे आपकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, डिस्टर्बेंस हो रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इस हॉल में बैठे हुए 99% लोग मुझे सुन रहे हैं। रमाकांत आचरेकर जी का अगला स्टेप देखिए, गुरु क्या करता है। और जब आपको गुरु पे भरोसा हो जाता है तो आप उसको अंधभक्त जिसे बोलते हैं वो हो जाते हैं, यानी आप 100% सरेंडर करके उसको फॉलो करने लगते हैं। रमाकांत आचरेकर जी ने क्या किया, जब वो सचिन तेंदुलकर थक गया खेल के, तो रमाकांत आचरेकर जी का पेट नहीं भरता, कहते नहीं इसको और प्रैक्टिस करनी चाहिए तभी ये और एक्सेल करेगा। तो जब सचिन थक जाता था तो उसके बाद क्या होता था कि वो विकेट के ऊपर 1 रुपी कॉइन रख देते थे और बोलते थे जी सचिन से अब आपको जो आउट कर लेगा वो एक कॉइन ले जाएगा और खेल समाप्त हो जाएगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक कॉइन आप रख लेगा। तो फिर से सचिन की थक जाने के बाद प्रैक्टिस शुरू हुआ। यहां मैं बोला बेटा एनसीईआरटी कर लेना, जेईई मेन कर लेना, वो कर ली, कैसे कर ली, सॉल्यूशन देख के कर ली। और जी बहुत थक गए, 9 घंटे सो रहे हैं। हमने बोला कि ऐसा करना, तो नहीं साहब वैसा नहीं किया, ऐसे कर लिया। मतलब कैन यू बिलीव इट, एक बच्ची आके मुझसे क्या बोली, आपको जान के आश्चर्य होगा, सर पता है यू नो बिकॉज ऑफ यू आई एम यूजिंग मोर मोबाइल। पता उसने कैसा बोला, यू डोंट नो सर, शी इज टेलिंग मी। यही तो कह रहा हूं कि डॉक्टर से आप बैठे हुए उनको बड़ा तकलीफ होती होगी आजकल पेशेंट से, भैया जैसे मुझे होती है, सर यू डोंट नो, यू डोंट नो रिवर्स साइकोलॉजी, यू आर ऑलवेज सेइंग मोबाइल यूज मत करो, यूज मत करो, जीरो यूज करो, मैंने यूज करना शुरू कर दिया। माय गॉड, यस इट इज गोइंग टू हैपन इन दिस जनरेशन, यस यस इट इज हैपनिंग। डिप्रेशन जैसी बीमारी हमारे आपके टाइम में भी थी, बट वो ज्यादा परेशान ज्यादा लोगों को नहीं कर पाती थी क्योंकि कंबाइंड फैमिली थी। थोड़ी देर में चाचा जी आ गए, उन्होंने एक तमाचा मार दिया, थोड़ी देर में बुआ जी आ गए, उन्होंने समझा दिया बेटा कोई नहीं चाचा तो ऐसे ही करते रहते हैं बेकार बात करते हैं। थोड़ी देर में पता लगा पड़ोसी आ गया, हाँ जी बताओ 330 × 27 जल्दी बताओ, फटाफट बताओ। और जी हमने फटाफट उनको बताया, बोले अरे वाह क्या बात है, क्या पढ़ता है, वेरी गुड, हम खुश हो गए। थोड़ी देर में चाटा पड़ा था बुआ जी ने, अब पड़ोसी आगे क्वेश्चन पूछ दिया, हमारा तो स्ट्रेस फ्री हो गया। फिजिकल करना है, भरोसा करना है, जो जैसे कहा जा रहा है वैसे करना है। तो वो 1 रुपी कॉइन विकेट पे रख देते थे और बोलते थे जो इसको आउट कर लेगा वो कॉइन ले जाए, और नहीं तो जब सेशन हम बोलेंगे खत्म तभी मारा। सचिन खेल रहा है, थका हुआ है फिर भी खेल रहा है, 13 कॉइन्स इकट्ठे किए थे। और तेंदुलकर साहब बोलते हैं कि अगर मेरा सबसे बड़ा प्राइज आप पूछेंगे तो वो 13 कॉइन्स है। आप आईआईटी चिल्ला रहे, अरे भाई आज का लेक्चर में आनंद क्यों नहीं आया, आज के लेक्चर को हमने क्यों नहीं एंजॉय किया, आज क्लास में हुए टेस्ट में, एक क्लास टेस्ट लेता हूं, आप जैसी क्लास में आए 2 क्वेश्चंस दिए और मैं उस दिन पास या फेल करता हूं, वही जैसे 1 रुपी कॉइन वहां वैसे मेरे क्लास का टेस्ट, वो 2 क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर दिए तो मैं कहता हूं पास, और बस जी पास हो गए यही है, हो गया जी आईआईटी, अब क्या चिंता है, ऐसी फीलिंग क्यों नहीं। आचरेकर साहब लगातार उसको मोटिवेट कर रहे थे, देखिए गुरु का काम मैक्सिमम निकालना जो हम उस स्टूडेंट के अंदर से, यानी उस खिलाड़ी यानी तेंदुलकर के अंदर से निकाल सके। तेंदुलकर का कमिटमेंट और भरोसा कि जो ये कह रहे हैं वही जीवन का सत्य है और हमें करना है। आगे देखिए अगले 2 गुण। थक जाने के बाद उसकी मैं ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा था, हाथ पैर पूरे थक जाते थे, इवन जब उसको अजीत तेंदुलकर साहब घर ले जाते थे तो बैठे बैठे बाइक पे सोता था। घर पहुंचा, घर पहुंचने के बाद वो जाके लेट गया, सो रहा है, पता चला एक इंसान उसके पैर दबा रहा है, एक इंसान उसको खाना खिला रहा है और वो सोते सोते खाना खा रहा है। इतना ज्यादा कमिटमेंट, इतना ज्यादा भरोसा अपने गुरु पे। और गुरु सिर्फ रमाकांत आचरेकर जी नहीं, गुरु उनका बड़ा भाई था, गुरु उनकी मदर थी, गुरु के फादर थे, कितने सारे लोग इस स्टार के पीछे लगे हुए थे कि ये जो है वो ओरिजिनल बन जाए।
ये जो है वो अपना ओरिजिनल पोटेंशियल दे पाए, अपना मैक्सिमम दे पाए, इसके लिए कितने सारे लोग उसके चारों तरफ लगे। डेब्यूट किया पाकिस्तान के विरुद्ध, चार टेस्ट मैच, तीन इंडिया टीम ड्रॉ कर गई थी पाकिस्तान के साथ। उसमें पाकिस्तान के जो बॉलर्स थे, जो क्रिकेट खेलते हैं वो समझते होंगे, बड़ा खूंखार माने जाते थे, खतरनाक, वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान की। कमिटमेंट देखिए किसी का, अभी कोई घर से फोन करो आज क्लास में भी नहीं आया, उसके सर दर्द हो रहा था इसलिए नहीं आया। सर दर्द हमारे टाइम में बोलो पापा सर दर्द हो रहा है, एक तमाचा खाओ जाओ क्लास में जाओ, और ड्रामा हो गया, सर दर्द हो रहा है। नहीं नहीं अभी होता है, अभी बच्चा गलत नहीं कह रहा है, मैं फिर से पॉजिटिव बात कर रहा हूं, अभी है। चार पांच घंटे उसने मोबाइल पे खर्च कर दिए तो सर दर्द होगा, साइंटिफिक है, मैं नहीं कह रहा हूं। ब्लू रेज आईज पे जा रही है, वो आईज को इफेक्ट कर रही है, आपका माइंड शांत नहीं हुआ, जो सोते में शांत हो जाता है, जीरो हो जाता है, वो नहीं हुआ तो सर दर्द करता है, अभी ओरिजिनल है। पहले तो सर दर्द से हम लोग बस इतना ही बोलते थे कि सर दर्द हो रहा है, दिमाग कहीं और लगा दो खत्म हो जाएगा, ऐसे बोलते थे। डॉक्टर से भी पूछे, वो भी तब उसे ऐसे ही बोलते थे कि अरे बेटा ये सर दर्द कुछ नहीं, छोटे बच्चे हो, थोड़ा सा दिमाग खेल में लगा दो अभी खत्म हो जाएगा। पहले ऐसा था, अब नहीं है, अभी मेडिसिन लेनी पड़ेंगी अगर आप ऐसे ही मोबाइल यूज करते रहे। वहां सचिन तेंदुलकर साहब फोर्थ टेस्ट मैच खेल रहे थे, उस समय इमरान खान जो पाकिस्तान के अभी थोड़ी देर पहले प्राइम मिनिस्टर भी थे, वो पाकिस्तान की टीम के कैप्टन थे, वो फोर्थ टेस्ट मैच, पाकिस्तान ने सोचा इंडिया ने बड़ा बेइज्जती कर दी, तीन टेस्ट मैच ड्रॉ कर दिए पाकिस्तान में आके, कराची में चौथा टेस्ट मैच हो रहा था, ये तो इंडिया को हराना है। खुखार बॉलिंग हो रही थी, इंडिया की जो टॉप ऑर्डर था सब उड़ गया। उसके बाद सचिन तेंदुलकर जी का नंबर आया, कमिटमेंट देखिए कितना भारी कमिटमेंट है, और इनके इनको चाहने वाले का भी कमिटमेंट अभी दिखाऊंगा। इनको चाहने वाले हैं विराट कोहली, जिन विराट कोहली जिनकी वजह से क्रिकेटर बने हुए हैं सचिन तेंदुलकर। कमिटमेंट दोनों का देखिए, और आपको कमिटमेंट नहीं कर पा रहे इसीलिए सक्सेस थोड़ी सी मुश्किल होती जा रही है। फोर्थ टेस्ट मैच में चार पांच बैट्समैन आउट हो गए इंडिया के टॉप, उसके बाद सचिन तेंदुलकर का नंबर आया और वकार यूनिस ने एक बॉल फेंकी, सचिन ने बढ़िया से खेला, दूसरी बॉल भी बढ़िया से खेली, तीसरी बॉल जाके सीधे उनके हेलमेट में लगी और नाक से खून बहने लगा। फिजियोथेरेपिस्ट दौड़ता हुआ आया और उसने बोला कि चलो जी बाहर चलो, आप नहीं खेल पाओगे, नाक से खून बह रहा था। उसने कहा नहीं आप एक काम करिए, ये खून रुक सकता है क्या, देखिए हड्डी तो नहीं टूटी। बोले हड्डी नहीं टूटी है लेकिन कुछ तो डैमेज हुआ है। बोले नहीं तो एक काम करते हैं, खून रुक गया है मैं खेलूंगा। देखिए एक 16 साल का बच्चा जिसे बोलेंगे, आपकी एज कितनी भाई साहब, बस एक साल बाद सचिन, व्हाई नॉट सी द ड्रीम्स। एक 16 इयर्स, क्या इतना करेज है, मैं कह रहा हूं आपके पास है, बट मोबाइल ने आपको डरा रखा है, डरा दिया है, बिल्कुल मुश्किल में डाल दिया है। एक 16 साल का बच्चा बोला अपने फिजियोथेरेपिस्ट से, सामने नवजोत सिंह सिद्धू भी खड़े हुए थे, बोला जी हम बैटिंग करेंगे आप चिंता मत करें। उस मैच को उसने खेला और जब सामने खड़े हुए नवजोत सिंह सिद्धू से पूछा गया कि आपने 97 कैसे स्कोर किए, बोले सचिन की वजह से। अब कमिटमेंट देखिए, साहस इस उम्र में भरा हुआ होता है बट यू आर नॉट यूजिंग इट, और वो साहस धीरे 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 घटता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि मोबाइल में होने वाली गतिविधि, फिजिकली आप उतने स्ट्रांग नहीं रहे। इवन मैं इस एज पे जब अपनी सीढ़ियां चढ़ता हूं अपने ऑफिस की फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर, तो उतना नहीं थकता जितना मैं देखता हूं कई स्टूडेंट ऊपर आते आते हालत खराब। एक तो मुझसे पूछी बेटा सर आप क्या खाते हैं, नहीं आपके पास ज्यादा ताकत है फिजिकली भी बट मेंटली अपने आपने ब्लॉक किया है अपने आप को, इसीलिए फिजिकल आपको प्रॉब्लम हो रही है, मेंटल ब्लॉक है जिसको खत्म करना है। विराट कोहली साहब का कमिटमेंट देखिए, ये भी 9 साल की उम्र से ही शुरू हो गए। अच्छा ये एज जरूर बता रहा हूं मैं, आप तो 15 के ना, इनकी 9 साल थी जब ये शुरू हो गए अपने उद्देश्य के लिए। सचिन तेंदुलकर को देख बोले उनका हमारा आइडल कौन है, सचिन। कमिटमेंट देखिए विराट कोहली साहब का, कमिटमेंट की बात कर रहा हूं।
रणजी मैच में इनको मौका मिला खेलने का और कर्नाटका के विरुद्ध ये मैच चल रहा था, टॉप ऑर्डर पूरा आउट हो चुका था, चार पांच खिलाड़ी जा चुके थे, अब विराट कोहली बचे। 2006 की बात कर रहा हूं, विराट कोहली का टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ, और ये दिखा रहा हूं कि कमिटमेंट क्या चीज होती है, क्या डिटर्मिनेशन लेवल इंसान को कहां से कहां पहुंचा देता है, और ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कितने सारे गुरु होते हैं। विराट कोहली के पिताजी प्रेम कोहली जी बोलते थे, बेटा जम के खेलना है, सब कुछ लगा दो, कुछ मत सोचो, हमारे पास जो भी प्रॉब्लम है उसकी चिंता मत करना है, 100% देना है। 2006 में डेब्यू हुआ इनका और रणजी के एक मैच में कर्नाटका के विरुद्ध इनको मौका मिला, टॉप ऑर्डर आउट हो गया। 2006 में इस मैच से पहले दिसंबर में इनके फादर को जनवरी में काफी बिजनेस में लॉस हुआ, हार्ट अटैक आया, बैड रिटन हो गए, बहुत मुश्किल में थे। सचिन तेंदुलकर इस मैच को खेलने पहुंचे और इन्होंने बैटिंग शुरू की, करीब करीब 40 रन बना लिए थे, तब तक आज के दिन का खेल खत्म हुआ। अगले दिन मैच का आखिरी दिन था और विराट कोहली को खेलना था, क्यों खेलना था, क्योंकि तभी टीम को हम बचा सकते, इनके दिमाग में एक ही चीज थी, इस मैच को हम जीतेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, अगले दिन हम आएंगे और अगले दिन खेलेंगे। जब ही घर पहुंचे इनके फादर एक्सपायर हो गए, हार्ट अटैक आया और डेथ हो गई। सुबह 3:30 बजे, आप कमिटमेंट देखिए किसी भी इंसान का, डिटर्मिनेशन लेवल देखिए, सुबह 3:30 बजे अपने कोच को फोन किया और फोन करके बोले कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो कोच की अगली लाइन आने वाली थी, फिर एक काम करो कल आज आप मत खेलने आना, सुबह के 3:30 बज रहे थे क्योंकि मैच शुरू होने में कुछ ही घंटे थे, आज आप खेलने मत आना। विराट कोहली ने बोला नहीं, मैं खेलने आऊंगा क्योंकि ये मेरे फादर चाहते थे, और फादर का जो फ्यूनरल है, जो राइट्स है, वो सब हम लौट के करेंगे। एंड यू कैन नॉट बिलीव कि वो इंसान उस दिन मैच खेलने गया जिस दिन सबसे बड़ा सेटबैक लगा था, उस दिन मैच खेलने गया एंड वो मैच जीता, और जीतने के बाद घर आया, फिर जो सारा क्रियाकर्म जिसको बोलते हैं, जो उसकी जिम्मेदारी थी, उसने इसको कहते हैं कमिटमेंट। इस सारी प्रक्रिया में आप देखिए ये किसकी वजह से हुआ, उसके गुरु थे, उसके फादर। उस दिन टर्निंग पॉइंट जीवन का आया, उस दिन उसको अपने पिता की बातें याद आई कि हमें सारा कुछ करना किसके लिए है, ईट क्रिकेट, स्लीप क्रिकेट, ड्रीम क्रिकेट, प्ले क्रिकेट, डू ऑल द थिंग्स फॉर क्रिकेट, एंड दैट्स व्हाई वो जाके स्टार। गुरु क्या करता है, गुरु आपके अकॉर्डिंगली आपके पोटेंशियल को जान के आपके अंदर वो चेंजेस लाने का प्रयास करता है, वो एनवायरमेंट क्रिएट करता है, वो मोटिवेशन लेवल को अपग्रेड करता है जिससे आप 100% दे पाए। एक कहानी गुरु और शिष्य की जोड़ते हैं, पाइथागोरस का नाम सुना होगा आपने, जरा देखिए क्या होता है गुरु और क्या होता है एक शिष्य। पाइथागोरस ने थ्योरम बनाया, अच्छा ये सब कहानियां नेट पे नहीं मिलेंगी, इसीलिए जो ऐसी कहानियां होती हैं वो मुझे किसने, एक बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन ने मुझे ये कहानी सुनाई, आजकल वो इस दुनिया में नहीं है, मेरी मुलाकात उनसे हुई, मुझे ऐसे कुछ मैथमेटिशियन से मिलने का मौका मिला है, जैसे शकुंतला देवी का नाम सुना होगा, उनसे भी मिलने का मौका मिला, ऐसे ही प्रोफेसर दीक्षित हैं एक मैथमेटिक्स के प्रोफेसर, उनसे भी मिलने का मौका मिला, तो ये कहानियां वो लोग सुनाते थे मुझे, इसीलिए बचपन से ही बड़े बड़े जो उनसे बड़े एज में लोग हैं उनसे मिलने का मन करता था, क्योंकि उनके पास अजीब अजीब कहां से लाते थे ढूंढ ढूंढ के, सोचने वाली बात, कहानी में सत्यता हो या ना हो हम क्रॉस क्वेश्चन करने की स्थिति में नहीं होते थे। उन्होंने बोला है और कहानी सुनी और जोश आ गया, आज दुनिया को बता देंगे हम क्या कर सकते, बस सीधे। हमारे जमाने में अच्छी चीज यही थी कि नेट नहीं था, तो डॉक्टर ने दवा लिखी तो हम जाके चेक नहीं करते थे इसके साइड इफेक्ट्स क्या, ये अच्छी चीज थी, डॉक्टर के पास भी तो नॉलेज है, उसने तो मेहनत करके एमबीबीएस किया है ना भाई, एमडी किया है या कहीं स्पेशलाइजेशन किया है, उसकी नॉलेज पे तो भरोसा करना पड़ेगा ना, बट आज तो आके लोग क्वालिफिकेशन भी पूछ रहे हैं, मैंने बताया थोड़ी देर में डॉक्टर का भी कहीं डिग्री ना देखने लगे, दिखाओ भाई ठीक है नहीं, हाँ ठीक है कुछ लोग गलत काम करते होंगे बट सब नहीं करते, मैक्सिमम ठीक ही काम करते हैं,
हमने सोच गलत बनाई है, इसलिए हम टकराते भी गलत लोगों से। पाइथागोरस ने थ्योरम बनाई, कोई सुनने वाला नहीं मिल रहा। पाइथागोरस ने कहा लाओ ये बनाई, लोगों को सिखाते, लोगों को बताते, कोई नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने क्या किया, एक डुगडुगी यानी ड्रम बीटर जो अनाउंस करता है, मुनादी बोलते हैं शब्द जिसको उर्दू में बोलते हैं मुनादी, उसको बुलाया कि जाओ बाहर मुनादी करो कि जो पाइथागोरस को सुनेगा एक घंटे उसको एक टका यानी जो भी वहां की करेंसी होगी एक घंटे का एक टका मिलेगा, यानी पैसे या रुपए आज आप जैसे भी उसको सोचना चाहे। उसने बाहर जाके बजाना शुरू किया और बोला जो पाइथागोरस को एक घंटे सुनेगा उसको एक टका मिलेगा। बजाता रहा शाम तक कोई नहीं मिला। कहीं कॉर्नर में एक महा आलसी इंसान सुबह से सो रहा था, उसके दिमाग में ये आवाज पहुंची कि पाइथागोरस को जो एक घंटे सुनेगा उसको एक टका मिलेगा। उसके लिए एक टका मिलेगा सुनना है, तो उसने कहा प्रभु ने दो कान दिए हैं, एक से सुनो और बीच में प्रोसेस नहीं करेंगे, बस इतना ही तो है। जबकि दो कान इसलिए दिए हैं कि ध्यान से सुनो, दो आंखें इसलिए दी हैं ध्यान से देखो, और मुंह एक ही इसलिए दिया है थोड़ा बोलो अच्छा। इसीलिए मैं क्लास में भी कहता हूं जैसे गांधी जी के तीन मंत्र है, मेरे भी तीन मंत्र है, आंखें खुली रखो, कान खुले रखो, मुंह आधा बंद रखो। अर्थात क्लास जब चल रही है, आप लेक्चर जब सुन रहे हैं या देख रहे हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, और जब भी खड़े होके बोलने का मौका मिले बढ़िया बोलो। ऑब्वियसली जब ध्यान से देखोगे ध्यान से सुनोगे तो बढ़िया बोलोगे। आपकी देखने की क्षमता घट गई है मोबाइल की वजह से, आपकी सुनने की क्षमता घट गई है मोबाइल की वजह से। आपके घर में ही आप अपनी मदर से बात करते हो, व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर रहे हैं, आप उनसे बात कर रहे हैं। पापा को बोला मार्क्स खराब आए, कोई बात नहीं बेटा अच्छा आए, वेरी गुड शाबाश, कल मिठाई ले आए। पापा खराब आए हैं, अच्छा खराब आए, अरे कोई बात नहीं होता है बेटा, अरे बात नहीं। सुनने की क्षमता खराब हो गई। उसने बजाया और बोला जो पाइथागोरस को एक घंटा सुनेगा उसको एक टका मिलेगा। जी महा आलसी इंसान के दिमाग में वो बात आई, कहता जी सुनने का एक घंटा है चलो चलते। पाइथागोरस के पास पहुंच गया और बोला जी शुरू हो जाइए, वो शुरू हो गया और उन्होंने सुनाया। जब लास्ट के पांच मिनट बचे होंगे तो पूछता अरे भाई कितना टाइम और बचा है, तो पाइथागोरस बोला पांच मिनट और भाई बस ठीक है सुना लो और सुना लो। सुना अपना एक टका लिया चला गया। दूसरे दिन फिर आया, अब तो उसको मजा आने लगा भाई पैसे मिल रहे। दूसरे दिन फिर आया, पाइथागोरस ने फिर बढ़ाना शुरू किया, फिर एक घंटा खत्म हुआ एक टका लिया चला। तीसरे दिन फिर, चौथे दिन फिर, ऐसे सिलसिला चलता रहा। दसवें दिन पाइथागोरस पढ़ा रहे थे, बीच में उसने रुका, अरे सर एक मिनट ये लाइन जरा रिपीट कर। पाइथागोरस ने कहा बन गया काम। व्हाट पाइथागोरस एक्चुअली डूइंग, एक टीचर क्या कर रहा है, ही इज कंटीन्यूअसली रिड्यूसिंग, चेंजिंग, नॉट रिड्यूसिंग, चेंजिंग द मेथड अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट। दैट्स व्हाई वी से इंडिविजुअल अटेंशन। यहां आप उससे कितनी बार मिल सकते हैं, इनफाइनाइट। आप आइए, पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, बच्चों की बात कर रहा हूं। कितने डाउट पूछ सकते हैं, अलग से मिलिए, मैं सिर्फ दो बैच तो बना रहा हूं। कई लोगों ने एडमिशन मुश्किल से लिया होगा, बाद में सोर्स लगाई होगी या बार बार रिक्वेस्ट की होगी, आना आसानी से नहीं मिला होगा। क्योंकि अगर मुझे लेना है तो 600 बच्चे ले सकता हूं, 150 ले रहा हूं, क्यों, मुझे खाली रहना है, मुझे आनंद उठाना है। मैं पढ़ा क्यों रहा हूं, क्योंकि मुझे आनंद उठाना है। मैं पढ़ाता क्यों हूं, क्योंकि क्लास में मुझे मोटिवेशन मिल जाता है। हमारे सारे टीचर्स क्यों ऐसे पढ़ा रहे हैं, क्योंकि सब क्लास को एंजॉय कर रहे हैं। एनर्जी इज फ्लोइंग थ्रू टॉप टू बॉटम, सब एक तरीके से एक ही वे में चल रहे हैं। अगर मैं 359 पे क्लास में जाता हूं 4 बजे की क्लास में, तो हर टीचर 359 पे क्लास में जा रहा है, यानी हम सब एक जैसी चीजों को फॉलो कर रहे हैं। तो जब दसवें दिन पाइथागोरस, आप दसवें दिन यानी अब तक 9% कमा चुका था जी, दसवें दिन जैसे ही पाइथागोरस पढ़ा रहे थे, सर एक मिनट रिपीट करना, ये क्लियर नहीं हुआ जी। पाइथागोरस ने कहा बन गया काम, पूरा पढ़ाया और उसको 10% दिए और बोला एक काम करो, जाते जाते एक पेज निकाला जेब से, बोला ये लो 10 क्वेश्चन सॉल्व करके ला। घर गया, घर जाने के बाद उसने वो पेज खोला और शुरू हो गया सॉल्व करना।
उसे एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। अब उसको रात भर नींद नहीं आई कि सुबह कब होगी और पाइथागोरस के पास पहुंचना है और इसके सॉल्यूशन पूछना है। पाइथागोरस के पास अगले दिन पहुंचा, बोला सर ये एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, ये बताओ ना प्लीज। पाइथागोरस ने बोला बता तो देंगे, हर क्वेश्चन का 1% लगेगा। उसने कुछ नहीं सोचा, जल्दी से पॉकेट से 10% जो कमाए थे रखे, ये लीजिए सर पूरे 10, पहले ये सिखाइए, फटाफट बताइए कैसे होंगे सॉल्व। एंड यू कैन नॉट बिलीव, उसने पाइथागोरस से ज्यादा थ्योरम लिख डाले। व्हाट इज द एक्चुअल वर्क ऑफ अ टीचर टू रिवाइव द इंटरनल टीचर इनसाइड द स्टूडेंट? अभी क्या आपको लगने लगा है कि हम टीचर के पास जाएंगे, वो 1.5 घंटे की क्लास लेगा, हम 1.5 घंटे घर में बैठेंगे और सारे क्वेश्चन सॉल्व होने लगे? ऐसा नहीं था, कहीं भी ऐसा नहीं था। वो डिवोशन चाहिए, हम मेथड को सिंपल कर रहे हैं, हर स्टूडेंट के लेवल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो स्टूडेंट जो महाआलसी स्टूडेंट था, जैसे ही उसको मजा आना शुरू हो गया, जैसे ही उसको इंटरेस्ट आना शुरू हो गया, उसने अपने मैक्सिमम टाइम को अपने उस पढ़ाई पे लगाना शुरू कर दिया और वो चमत्कार कर पाया। यानी बात को समझो, यहां पे एक और मैसेज, पढ़ना कितना है अनलिमिटेड। मिनिमम मैक्सिमम की बात मुझसे आके मत करना कि सर हम 4 घंटे पढ़ ले तो हो जाएगा क्या, 6 घंटे नहीं, अनलिमिटेड। क्यों अनलिमिटेड शब्द यूज कर रहे हैं? हमने कोई भी चैप्टर पढ़ाना शुरू किया तो पहले आप जो भी स्कूल बुक यूज कर रहे हैं उससे क्वेश्चन फिनिश करिए, फिर जेईई मेन के यानी सिंगल करेक्ट चॉइस के क्वेश्चंस को फिनिश करिए, फिर एडवांस लेवल यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन उनको फिनिश करिए, उन सबको फिनिश करने के बाद जब वो हो गया तो फिर मेरे से बात करिए, फिर मैं बताऊंगा कि एक न्यूट्रल बुक यानी जो हमने नहीं दी है वो मार्केट से परचेज करके उससे अपने को टेस्ट करिए कि अब हमारा लेवल क्या है। ये सारी चीजें जब फॉलो होंगी तो चमत्कार आप करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज है जो आपके अंदर भर रही है और वो क्या है? डर। लगातार हर एक इंसान चारों तरफ से आपको डरा रहा है, इसलिए डर पे भी मैं थोड़ी सी आपसे बातचीत करना चाह रहा हूं। यानी जब हम JEE की तैयारी के लिए जाते हैं, लोग कह रहे हैं कि इट इज द टफेस्ट एग्जामिनेशन ऑफ द वर्ल्ड, मैं कहता हूं इट द सिंपलेस्ट एग्जामिनेशन ऑफ द वर्ल्ड। आज की डेट में ये जो JEE का एग्जाम है जहां से हम IIT ज्वाइन कर रहे हैं, ये दुनिया का सबसे आसान एग्जाम है। कैसे जरा देखिए, लास्ट ईयर JEE एडवांस एग्जाम में 2,50,000 स्टूडेंट्स को अपियर होना था, कितने? 2,50,000। यू वुड बी सरप्राइज टू नो 1,41,000 अपियर हुए। कहां गए 1,09,000? आप ठंडे दिमाग से सोचिए, 2,50,000 स्टूडेंट्स को अपियर होना था, 1,41,000 स्टूडेंट्स अपियर किए, यानी 1,09,000 स्टूडेंट ही कम अपियर हो रहे हैं इस एग्जाम। पहले JEE मेन का आप एग्जाम देते हैं, JEE मेन में कहां, अभी आपने वीडियो में सुना होगा 11.5 लाख स्टूडेंट बैठ रहे हैं, अभी जाके JEE मेन में 8.5 लाख बैठ रहे हैं, और उसको क्लियर करने के बाद 2.5 लाख JEE एडवांस के लिए चाहिए, वो मिल ही नहीं रहे। कोई पूछता है, कहता है कि दुनिया का सबसे डिफिकल्ट एग्जाम है, मैं कहता हूं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इस समय बहुत ही आसान एग्जाम है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के हाथ में क्या है, उस तरह मतलब मोबाइल, जीरो यूज ऑफ, और इस मोबाइल से हम इतना ज्यादा डरने लगे हैं कि जैसे ही हमसे पहला क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता हम डर गए और दूसरा तीसरा चौथा भी हमसे सॉल्व होना बंद हो जाता है। जरा देखिए कुछ और स्टोरी जो आपको दिखाएंगी कि डर कुछ भी नहीं होता है। पहले कविता, फिर उन स्टोरीज, यानी मेरी ये जो कविता होगी उस स्टोरीज को पहले इस कविता में ले आते हैं। वो कहते हैं, हिंदी में ज्यादा यूज करूंगा इसमें, विश्वास तो सब समझते होंगे, am I right or not? Yes, sir. निष्ठा, डेडिकेशन, साहस, करेज, मेरी कविताओं में यही तीनों शब्द मिलेंगे,
विश्वास, साहस और निष्ठा। वो कहते हैं यह रास्ता कठिनाइयों के कांटों से है भरा। वो कहते हैं, बहुत सारे लोग डराते हैं, अरे ये मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। और आजकल तुम खुद ही को डराने लगे, दूसरे की तो चिंता ही छोड़े। वो कहते हैं यह रास्ता कठिनाइयों के कांटों से है भरा, पर वो क्या जाने मेरे अंदर साहस का ज्वालामुखी है फटा। वो कहते हैं यह रास्ता कठिनाइयों के कांटों से है भरा, पर वो क्या जाने मेरे अंदर साहस का ज्वालामुखी है फटा। मेरे विश्वास के लावा में, मेरे विश्वास के लावा में ये कठिनाइयों के कांटे बह जाएंगे, और फिर देखना मेरे निष्ठा रूपी जल से, निष्ठा मतलब डेडिकेशन, और फिर देखना मेरे निष्ठा रूपी जल से यहां असंख्य विजयी पुष्प खिलते जाएं। शिखर गौड़ा जी की कहानी है ये दिखाने की कोशिश कि आपके पास सब होते हुए भी आप डर रहे हैं। शिखर गौड़ा जी फर्स्ट फ्लोर पे वॉल पे बैठे हुए थे, ऐसे होता है ना कई बार, थोड़ा फर्स्ट फ्लोर एक पैर इधर एक उधर, बाई चांस वो फर्स्ट फ्लोर से गिर गए। मोबाइल पे बात कर रहे थे, मोबाइल बताए ना उस तरह बचना है इसमें, मोबाइल पे बात कर रहे थे, वो फर्स्ट फ्लोर से गिरे। फर्स्ट फ्लोर से गिरने में उनको लगा कि भाई कुछ पकड़ना चाहिए, नहीं तो हाथ पैर सर टूटने वाले, वहां हाई टेंशन वायर जा रहा था, वो कुछ उनको समझ ही नहीं आया, वो वायर पकड़ लिया, हाई टेंशन वायर, इलेक्ट्रिसिटी वायर वो पकड़ लिया। गिरे तो थे ही, गिरते गिरते उनका एक हाथ यहां से चला गया, एक पैर नीचे नीचे का गायब हो गया, दूसरे पैर का टू गायब हो गया, बॉटम गायब हो गया। और बोला जब उनको चेक किया गया तो बोला डेथ हो गई, मतलब जिंदा है वो अभी, मॉर्चरी में भेजा गया, वहां पड़े रहे 9 घंटे। पड़े रहने के बाद उनको भूख लगी तो देखा, अरे इधर हम कहां है, देखा चारों तरफ डेड बॉडी। किसी तरह घसीटते हुए चलते हुए बाहर आए तो लोगों ने कहा ये कहां से आ गया भाई, ऐसे इंसान की कहानी सुना रहा हूं, समझ रहे साहब, एक हाथ गायब, एक पैर गायब, और पहले से मर के भी ट्राई कर लिया 9 घंटे। और फिर जब वो चलते हुए भूख लगी उनको, तब उनको मतलब होश आया, जब उनको भूख लगी, बताया कि जब मुझे भूख लगी तो होश आया, तो मैंने देखा ये कहाँ है, थोड़ा तो घबराहट हुई लेकिन फिर अपने को संभाला, और उससे जब घिसटते हुए बाहर पहुंचा तो लोग देख के मुझे आश्चर्यचकित रह गए, कहाँ से आ गया। शेखर गौड़ा जी ने बताया कि अब तो मर तो चुके ही हैं, अब क्या टेंशन है। जब बाहर आए तो समझ में आ गया कि अब हाथ गया, पैर गया, सब काटना पड़ा उसके बाद, जब वहां से बाहर निकले मॉर्चरी से, और उन्होंने फिर सोचा कि अब तो सब खत्म हो ही चुका है। सबने उनको समझाया कि अब एक काम करो, अब घर में रहो, कुछ छोटा मोटा काम सीख लो, काफी नेगेटिव बातें लोगों ने की, लेकिन ऐसा नहीं, उन्होंने बोला, दो चार पॉजिटिव लोग भी थे, उन्होंने भी समझाया कि नहीं जी अभी चिंता की कोई बात नहीं है, एक पैर लगा लेंगे, प्रोस्थेटिक लेग लग जाएगा, हैंड लग जाएगा, आप चिंता नहीं करो। बहुत सारे लोगों की कहानियां सुनाई तो उन्होंने कहा, मैंने फिर कहा कि अब मर तो चुके हैं तो क्यों ना आप ट्राई करें कुछ नया करने का। तो उन्होंने लेफ्ट लेग को राइट लेग को, लेफ्ट हैंड को क्या समझा, राइट हैंड, बोला जी पहला हमने काम किया कि लेफ्ट हैंड इज माय राइट हैंड, और सारे काम मैंने लेफ्ट हैंड से करना शुरू किया। प्रोस्थेटिक लेग लग गया, बोले जी एक काम करते हैं, साइकिलिंग अब शुरू करेंगे, हाथ लग गया, पैर लग गया, और जो टो था उसके लिए भी कुछ स्पेशल शू बनाया गया, और उन्होंने साइकिलिंग शुरू कर दी, और साइकिलिंग कन्याकुमारी से शुरू की, लद्दाख से ऊपर से, और कन्याकुमारी तक बिना किसी सहायता के साइकिल चढ़ा ली, सबसे पहला काम। बोले नहीं जी ये मजा नहीं आया, अब प्रभु ने सब ले लिया है तो अब डरना क्या है, ठीक है अब एक काम करते हैं, अब माउंटेन्स पे चढ़ेंगे। सबसे पहले उन्होंने माउंट एल्ब्रस को कंक्वायर, यानी सुना होगा आपने रशिया, मेरे टॉप 10 माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड में आती, माउंट एल्ब्रस चढ़ डाली, लेकिन कुछ मजा नहीं आया। माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक जा चुके हैं, उनको अभी तक मजा ही नहीं आ रहा है। किलिमंजारो भी है ना शायद साउथ अफ्रीका में, am I right or not?
उसको भी चढ़ डाला और स्विमिंग भी कर डाली, पैराग्लाइड, सब कुछ भी ऐसा नहीं बचा जो उन्होंने ट्राई नहीं किया। और आप एक छोटी सी पढ़ाई नहीं कर पा रहे। आप सोचो, जिस इंसान के पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, जानते उसके साथ क्या हुआ? डर खत्म हो गया उसका। मॉर्चरी में 9 घंटे रहने के बाद उसको फीलिंग आ गई कि मरना है, तो मरने के बाद और मजा आता है। उसके अंदर से डर खत्म हो गया, और जब डर खत्म हो गया तो फिर उसके दिमाग में पता क्या आया? देखते हैं कितनी मुश्किलें और आएंगी, देखते हैं कितनी मुश्किलें और आएंगी, शायद यही मेरी सफलता की सीढ़ी बन जाए। यानी जब उसने सब खो दिया तो अब उसके पास डरने के लिए कुछ नहीं बचा। तो सबसे पहला संदेश इस स्टोरी के से मैसेज मेरा आपके लिए है, डर को निकाल फेंकना पड़ेगा। और ये एक दिन में नहीं निकलेगा। जीरो मोबाइल यूज, बहुत सारी टेक्निक्स में अभी क्लास में बताऊंगा। बार बार आके इंडिविजुअली मिलना, अपने टीचर से बात करना, डिस्कशन करना, तब जाके ये पूरा डर खत्म होगा। शिखर गौर जी को समझिए कि कैसे उन्होंने क्या क्या कर डाला। और एज फैक्टर भी देखिए, सब जो भी मेरी कहानियां हैं उन सारे में एज फैक्टर यही, जो आपकी एज है इसी के आसपास ये लोग कहानियां बनाते चले जा रहे हैं। सफीन हसन साहब का नाम सुना है किसी ने? शायद कोई इसमें एकाद होगा जो आईपीएस ऑफिसर बनना चाह रहा होगा। यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली आईपीएस ऑफ इंडिया का ही होगा, इंडियन पुलिस सर्विसेज, यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर ऑफ द कंट्री। मैं बता रहा हूं कि आपके पास हाथ भी है, पैर भी है, आंखें भी है, बढ़िया दिमाग भी है, कुछ कमी नहीं। अब दूसरी कहानी में ये दिखाने जा रहा हूं कि आपके माता पिता के पास पैसा भी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बढ़िया स्कूल, बढ़िया कोचिंग में पैसे खर्च करके आपको एडमिट भी करा लिया। सफीन हसन के जो पेरेंट्स थे वो डायमंड फैक्ट्री में वर्कर्स थे। इनकी कहानी और इनके डर के आगे जीत, जो बोलते हैं ना डर के आगे जीत, नहीं मैं कहता हूं डर ही नहीं तो जीत, डर के आगे की बात क्यों कर रहे हो? डर को खाड़ फेंको, डर के आगे जीत बिल्कुल बेकार स्टेटमेंट है। अरे डर ही नहीं। सफीन हसन साहब 22 साल की उम्र में आईपीएस ऑफिसर बन गए, यंगेस्ट आईपीएस उनको बोला जाता। उनके पेरेंट्स वर्कर थे डायमंड फैक्ट्री में। किसी तरीके से वो नौकरी छूट गई तो उनके फादर ने इलेक्ट्रिशियन का काम किया। उनकी मदर डायमंड फैक्ट्री में वर्कर रहते हुए कई जगह खाना, घर घर रोटी बेलना, खाना बनाने का काम किया कि मेरे बच्चे को पैसे की कमी ना आए। खूब जम के क्या पेरेंट्स परिश्रम करते हैं। बिलाई के भी पेरेंट्स ऐसे ही थे पहले, सब वो बीएसपी वाले लोग थे, इतना परेशान करते थे कई बार। अभी आजकल नहीं करते, मतलब मैं तारीफ नहीं, बुराई नहीं कर रहा हूं, तारीफ कर रहा हूं। मुझे परेशान करते तो खुश था मैं, कहीं भी पकड़ लेते थे, बताओ मेरे बच्चे के बारे में 90% मिलते थे। और एक बार बैठ गए तो उठने का नाम ही नहीं। यही बैठे कि आज खूब बातें करेंगे। आजकल नहीं ऐसे पेरेंट्स, सब बिजी, एवरीबॉडी, सब लगता है जैसे बीएसपी में सब डायरेक्टर अपॉइंट हो गए आजकल, ऐसा लगता है। पहले तो जीएम, सीजीएम और एजीएम और डीजीएम सब होते थे, आज लगता है सब डायरेक्टर, सब बहुत बिजी, किसी के पास टाइम नहीं है टीचर के लिए, बच्चे के लिए, आपस। अरे भाई, जब तक ये कम्युनिकेशन नहीं होगा, सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा मेरे, आपके और बच्चे के बीच में, चमत्कार हम नहीं कर रहे, चमत्कार तभी स्टूडेंट करेगा। सफीन हसन साहब की मदर और फादर जबरदस्त मेहनत करते थे, पैसा कमाते थे, उसको पढ़ाने के लिए कुछ भी करेंगे। इतनी मुश्किलों के बावजूद सफीन हसन ने जम के पढ़ाई की, उनको स्कॉलरशिप भी मिली, उनकी कुछ लोगों ने सहायता भी की। NIT सूरत से उन्होंने बीटेक किया, और उसके बाद उन्होंने यूपीएससी के लिए दिल्ली पहुंच के तैयारी की। इनकी ताकत का अंदाजा देखिए, इनके कमिटमेंट का अंदाजा देखिए, और ये आपको दिखाएंगे कि मुश्किलें ही तो सिखाती हैं कुछ नया करने के लिए। ये दिल्ली पहुंचे, इनको एग्जाम देना था, एग्जाम से पहले इनका एक्सीडेंट हो गया। पेपर देने जा रहे थे उसी दिन, वो
बोले जी एक्सीडेंट तो हो गया, चोट वोट लग गई, डॉक्टर से बोला अभी कुछ एक्सरे वेक्सरे नहीं करो, जो कुछ पट्टी बांध सकते हो बांध दो, पहले एग्जाम दे देते हैं। एग्जाम देने गए, एग्जाम दे के आ गए, उसके बाद पता चला मल्टीपल फ्रैक्चर्स, मल्टीपल सर्जरीज हुई, काफी कुछ हुआ। जब एग्जाम दे दिया उसके बाद डर कहां है, डर के आगे जीत नहीं, डर ही खत्म कर दिया जी, तो जीत ही जीत है, आनंद ही आनंद है। उसके बाद मल्टीपल सर्जरीज, मल्टीपल प्रॉब्लम होने के बावजूद भी इंटरव्यू तक ये लगातार अपनी मेडिकल प्रॉब्लम से जूझते रहे, उसके बाद भी जाके इन्होंने सेलेक्ट होने के बाद इंटरव्यू दिया और उस साल ये सेकंड हाईएस्ट स्कोरर भी रहे इंटरव्यू। एज सिर्फ कितनी थी आपको बताई थी, ओनली थोड़े दिनों में आप भी 22 हो जाएंगे, 7 साल। जस्ट थिंक ऑफ इट, लाइफ स्पैन जिसमें आप हैं, यहां कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी असंभव नहीं है आपके लिए। क्यों? क्योंकि डर भरा हुआ है आपके अंदर, इसको निकाल फेंकना है, बहुत डराया है इस डर ने, यो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं होगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा, अरे कुछ नहीं, सिर्फ एंजॉय करना पड़ेगा, ऐसे सोचो। बहुत डराया है इस डर ने, अब डर के डरने की बारी है, कर लो दृढ़ संकल्प, अब तो मंजिल पाने की बारी। लक, अब आते हैं लक, भाग्य। कई बार बोलते हैं ना बड़ा लकी है ये, इसको आसानी से आईटी मिल गया, हमारे बच्चे को नहीं मिला। कई बार पेरेंट्स ऐसे भी सोचते हैं, कई बार बच्चा भी सोचता है इसका तो लक था, वरना मुझसे तो पीछे ही चल रहा था। कई बार ऐसे ही बोलते बच्चे एक दूसरे से। लक जानते क्या है एक्चुअल में? कर्मा। लोग कहते हैं लक, नहीं ये कर्मा है, जो आपने अब से 10 साल पहले किया उसने आपके दिमाग में एक सॉफ्टवेयर डाल दिया और वो सॉफ्टवेयर 10 साल बाद जब सिविल सर्विसेज की पढ़ाई एग्जाम देने जा रहे थे, आपकी हड्डियां टूट गई तो भी आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने चले गए। क्यों? क्योंकि आप लकी थे। और वो लक कहां से बना? कर्मा। 10 साल पहले जो आपने परिश्रम झेला था उस परिश्रम की वजह से आपकी बॉडी मेंटली इतनी स्ट्रांग हो गई कि आपको दर्द का एहसास होना बंद हो गया और आपका पड़ोसी बोल रहा है देखो लकी है, इतना चोट लगी फिर भी दे दिया, फिर भी हो गया आईपीएस। लेकिन उसको ये नहीं पता कि जो 10 साल आपने कर्म किए, जो एक वर्कर्स की फैमिली में रह के दिन रात जो परिश्रम किया उसकी वजह से आपका लक नहीं है, कर्मा है। क्या आप जानना चाहेंगे कि ये वाकई सत्य है या नहीं? मैं प्रूव कर सकता हूं। और खास बात मेरी क्या है? साइंटिफिक स्टोरी। मैं मतलब आजकल के बच्चों को क्या चाहिए? हेल्थ प्रूफ बोलो, कहानियां सुना के नहीं चलेगा, हम चेक भी कर ले तभी मानेंगे कि आप सही बोल रहे हैं। ऑडियंस से पूछ लेते हैं, क्या मैं आपके 15 मिनट्स और ले सकता हूं? जी जी सर। आवाज नहीं आएगी? यस सर। क्योंकि मुझे इशारा है रुकने का, मैं भूल जाता हूं जब ऐसे लेक्चर में मैं होता हूं तो टाइम भूल जाता हूं, सॉरी क्लास में नहीं भूलता, क्लास में टाइम पे जाता हूं, टाइम पे छोड़ता हूं, सब कुछ रहता है, लेकिन ऐसे लेक्चर में क्या है मैं भूल जाता हूं मैं कहां, मुझे लगता है मजा आ रहा है। और मजा क्यों आता है? मैं खुद मोटिवेट होता रहता हूं और सामने वाली जनता हो रही या नहीं उससे मुझे परवाह भी नहीं, आई एम वेरी सेल्फिश, आई एम एंजॉयिंग, आई एम मोटिवेटेड, तो और मजा आ रहा है तो और कहानियां सुनाते। तो ये साइंटिफिकली मैं प्रूव करने जा रहा हूं कि जो आपकी कर्मा है यही आपका लक है। चलेगा 10-15 मिनट ले लेना? यस सर। 15 मिनट्स ले सकते हैं क्या ओजस्वी सर? यस सर। धन्यवाद। विश पितामा का नाम सुना? जी। पहले एक माइथोलॉजिकल स्टोरी, सत्यता आप नहीं ढूंढ पाएंगे तो इसीलिए साइंटिफिकली आखिरी में प्रूफ कर दूंगा इसको, बिल्कुल हैंस प्रूफ ही करके जाएंगे, आप मानेंगे हाँ जी यही प्रूफ हो गई, गूगल पे भी चेक करने की जरूरत नहीं। भीष्म पितामह जी को अर्जुन ने तीर छोड़े तो वो बाणों के उस पे बेड पे जाके लेट गए, उनकी गर्दन झुकी हुई थी, अर्जुन से बोला भैया एक तकिया भी दे दो, इतना दिया है तो एक पिलो भी दे ही दो। अर्जुन ने तीर छोड़े तो उनके यहां लगा और वो पिलो बन गया, वो आराम से लेट गए। कृष्ण जी तो इसी टाइम पे मजे लेते, बोले और पितामह कैसा लग रहा है? बोला साहब बढ़िया लग रहा है,
अच्छा पुराने जमाने में लोगों के पास बहुत पावर थी, माइथोलॉजिकल स्टोरी में यही है, और ये पावर प्रूफ करूंगा मैं। तो बोला कैसा लग रहा है? बोले जी बहुत बढ़िया लग रहा है। बोले बस एक ही प्रॉब्लम है प्रभु कि मेरे पास इच्छा मृत्यु का वरदान है, यानी जब मैं मरना चाहूं मैं मर सकता हूं, और मुझे पता है जब सूर्य उत्तरायण में आएगा तब मैं मरना चाह रहा हूं। मैं अभी सोच भी नहीं पा रहा हूं मैं मरना चाह रहा हूं, अगर ऐसा सोच लूं तो मैं मर सकता हूं, वो भी नहीं सोच पा रहा हूं, और मेरे दिमाग में उत्तरायण में आएगा तब मर। लेकिन प्रभु एक चीज समझ में नहीं आ रही कि मुझे ये कष्ट क्यों मिला, कर्म की बात कर रहा हूं, ये कष्ट क्यों मिला कि मैं बाड़ों की सरसही आईनी एरोबेड पे लेटा हुआ। तो मैं पिछले 100 जन्म तक तो गया, मेरी पावर इतनी थी, बट अब कहीं भी मुझे डिफेक्ट नहीं दिखा, मैं नहीं गड़बड़ की। तो बोले अच्छा मैं पावर देता हूं, जरा एक जन्म पीछे और जाओ। वो गए एक जन्म पीछे, तो देखा उस समय भी वो बढ़िया धुरंधर तीरंदाज थे, बढ़िया मेरे आश्चर्य में उसमें भी बहुत बढ़िया थे। तो अपने रथ पे बैठे हुए चले जा रहे थे, सामने से एक सांप गुजर रहा था, उन्होंने सोचा रथ रोकेंगे या रुकेगा नहीं तब तक तो मर जाएगा, तो उन्होंने अपना एक तीर निकाला और चलाया और उससे सांप को साइड में फेंक दिया। तो वो कृष्ण जी से बोले प्रभु हमने तो अच्छा काम किया। बोले नहीं जरा पीछे मुड़के देखो। पीछे मुड़के देखा तो वो जो सांप था वो कांटों पे जाके गिरा और वो उतने ही दिन तड़पता रहा जितने दिन भीष्म पितामह जी तड़पे। बोले नहीं सर ये कहां से नकली स्टोरी, पता नहीं अब कहां कर्मा 101 जन्म है जी, ये कहां से संभव है। तो चलो एक काम करते हैं, 101 जन्म की बजाय इसको 3 जन्मों में निपटाते हैं, और फिर 3 जन्मों के बाद इसी जन्म में निपटा दें, हर चीज साइंटिफिक बात। अटलांटा की यूनिवर्सिटी में 2013 में एक्सपेरिमेंट हुआ, इस बार गूगल कर सकते हैं, अभी नहीं करना भैया नहीं तो समझ में नहीं आएगा क्या बोल। अटलांटा की यूनिवर्सिटी में 2013 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ, एक माइस को केज में रखा गया, एक तरफ से उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिया और साथ साथ जो बेरी की स्मेल खुशबू डाली उसको, फ्रेग्रेंस ऑफ बेरी, ब्लूबेरी था या क्या था मुझे, रेड बेरी जो भी था उसकी स्मेल उन्होंने दी एक तरफ से, और क्या दिया करंट। तो चूहा क्या होता था जैसी दोनों चीज आती थी तो भागता था दूसरी तरफ, ऐसा उन्होंने कई बार किया। तो माइस भाग रहा है इधर और इधर से करंट और खुशबू दे रहे हो भाग रहे। थोड़ी देर में उन्होंने क्या किया करंट देना बंद कर दिया, सिर्फ क्या देना शुरू किया खुशबू, जैसे ही खुशबू छोड़े माइस भाग जाए, खुशबू छोड़े माइस, यानी माइस को क्या लगा खुशबू तकलीफ दे रही है हमें, करंट नहीं क्या जो फ्रेग्रेंस आ रही जो खुशबू आ रही मेरी की वो तकलीफ दे रही, करते रहे वो माइस भागता। फिर क्या हुआ माइस की अगली जनरेशन आई। अच्छा अब अगली जनरेशन को क्या किया, करंट देने की बजाय सिर्फ खुशबू दी, जैसे ही खुशबू दे भाग जाए। नेक्स्ट जनरेशन थिंक ऑफ इट, क्या किया जैसे ही उसको फ्रेग्रेंस दिया वो भाग जाए, जैसे ही फिर माइस की नेक्स्ट जनरेशन आई यानी एक और आगे की जनरेशन, अब उन्होंने करंट वरेंट देना तो बंद कर दिया, क्या देना शुरू कर दिया फ्रेग्रेंस, जैसे ही खुशबू दे वो भाग जाए। यानी इमेजिन जो इंफॉर्मेशन आप लाए हो कहां से लिए चले आ रहे हो। नहीं नहीं साहब ये भी अब आप बोलेंगे हेरिडिटरी है जी, हमें कम समझ, पिताजी को कम याद रहता था तो हमें भी नहीं। चलो एक काम करते इसको भी हटा दें। तीन लोग पत्थर तोड़ रहे थे, इस कहानी में बिल्कुल सत्यता है और ये हेंस प्रूव हो जाएगी ये इसी जन्म की कहानी, एक ही जन्म में मतलब पीछे गए नहीं, जिसे आप माने पहले माइथोलॉजिकल फिर साइंटिफिक और अब रियल कहानी आपके सामने। तीन लोग पत्थर तोड़ रहे थे, तो एक आदमी उधर से गुजरा, एक पहले पत्थर तोड़ने वाले से पूछा भाई क्या कर रहे, अरे पत्थर तोड़ रहे हैं क्या करें पेट के लिए करना पड़ता है ना भाई, बड़ा दुखी होके उस आदमी को बोला। वो आदमी आगे बढ़ा दूसरे वाले को पूछा कि भाई क्या कर रहे हो, बोला पत्थर तोड़ रहे हैं और अच्छा लग रहा है और खूब पैसा कमाना है, बढ़िया खाना है, बढ़िया रहना है, बड़ा घर बनाएंगे, काम कर रहे हैं धीरे धीरे और अच्छा होता है। तीसरे वाले के पास पहुंचा, बोला क्या कर रहे हो, वो एकदम खुश था पत्थर तोड़ने में, तराश रहा था तोड़ रहा था जो भी काम कर रहा था वो खुश था। बोला क्या कर रहे हो, बोला कुछ नहीं मंदिर बन रहा है तो मेरा भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इसमें, एक पत्थर मेरा भी लगा होगा जब हम आएंगे तो हम देखेंगे मेरा पत्थर भी लगा है। वो अपने काम में बहुत खुश होके जुटा हुआ। ऐसी केसीएस एजुकेट में तीन बच्चे बैठे हुए थे क्लास में, ओ क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हैं सर मम्मी पापा ने एडमिशन करा दिया पढ़ रहे हैं आईटी जाना है और क्या। अच्छा भाई
दूसरे के पास पहुंचे, क्या कर रहे हो बेटा? सर वो आईटी जाना है, जम के पढ़ रहे हैं, यूएस में सेटल होंगे, ढेर सारा पैसा कमा। तीसरे के पास पहुंचे, बेटा क्या कर रहे हो? सर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में आनंद आ रहा है, इसको खुश होके पढ़ रहे हैं, आपके क्लास में डेढ़ घंटा कब कट जाता है पता ही नहीं चलता है। फिजिक्स वाली क्लास में भी डेढ़ घंटा कब कट जाता है पता ही नहीं चलता है। यहाँ केसीएस में आके 4.5 घंटे कब कट जाते हैं पता ही नहीं चलता। सर आनंद आ रहा है, आईटी वाईटी की चिंता अभी हमें कुछ नहीं। जानते पहला वाला जो पत्थर तोड़ रहा था गुस्से में, वो अभी तक नौकरी ढूंढ रहा है बीटेक के बाद। दूसरा वाला यूएसए में है, उसके पास दो दो घर है, एक मर्सिडीज बेंज है, एक बीएमडब्ल्यू भी है। मुझे फोन करके बोलता सर मजा नहीं आ रहा, सॉफ्टवेयर वाले बहुत परेशान कर रहे हैं, इतना काम दे देते हैं, घंटों काम करते रहो बिल्कुल मजा नहीं। तीसरे वाले का फोन आया, बोला सर हाँ बेटा कैसे हो? सर बहुत मजा आ रहा है, 9 महीने काम करते हैं, 10 महीने 2 महीने छुट्टी लेते हैं और नौकरी वालों से बोलते हैं रखना हो रख लेना दोबारा, नहीं रखना हो मत रखना। सर वो जब अगली बार लौट के आते हैं सैलरी बढ़ा के रखते हैं मुझे। मैंने कहा ऐसा क्यों? अरे सर 2 महीने जो छुट्टी पे जाते हैं नए नए ख्याल आते हैं, नए नए मेथड आते हैं, तो एक नया सॉफ्टवेयर बना के चले आते हैं, उनको दे देते हैं। और आप क्या बोल रहे हैं? अच्छा तीसरे वाले का भाग्य है, वो तो सर को बोला था आईआईटी वाईटी नहीं पढ़ रहे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ रहे हैं, इसका तो लक है, तभी तो देखो कितना बढ़िया जीवन है। कर्मा जो सोच रहे हो आप, ये आपके दिमाग में सॉफ्टवेयर बन रहा है और कई बार आप बिना सोचे वो रिएक्शन आप खुद दे देते हैं। थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स आर कमिंग इन योर माइंड। अगर हमने लेक्चर आज पढ़ाया और आपने 1 घंटे डिले करके उसको रिवाइज किया तो 57% आपके दिमाग से उड़ जाएगा। अभी रिसेंट प्रूफ की हुई थ्योरी, रिसेंटली प्रूफ की हुई थ्योरी, ये मेरी नहीं, साइंटिफिक चेक कर सकते हो गूगल। 57% आपके दिमाग से उड़ जाएगा। अगर आपने 1 दिन डिले किया तो 67% आपके दिमाग से उड़ जाएगा, और अगर आपने 1 वीक डिले किया तो 76% आपके दिमाग से उड़ जाएगा। और आप तो भैया 1 महीने पढ़ लिए मुझसे, मार्क्स नहीं आ रहे हैं, सर आप बताओ क्या करें? 1 महीने में तो भाई सब गड़बड़ हो जाएगा। इमेजिन माय डियर स्टूडेंट, मैंने इन सारी कहानियों में क्या दिखाने की कोशिश की कि कर्मा आप जो अभी बैठे हो, अभी जो बैठे हो इस समय, जैसे आप रिएक्शन दे रहे हो, जैसे आप मुझे देख रहे हो, जैसे आप मुझे सुन रहे हो, ये सब आपका कर्मा है, ये आपके दिमाग के सॉफ्टवेयर को बना रहा है। इसमें बैठे हुए हॉल में 10-15% लोगों ने मुझे ध्यान से सुना ही नहीं, 10-15%, I am telling you honestly, किसी की तरफ देख के नहीं बोल रहा हूं क्योंकि सबकी तरफ देख भी नहीं सकता मैं, इतने सारे लोग, 10-15% ने सुना ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपने सेट ऑफ माइंड के साथ आए थे, कर्मा यानी उनके दिमाग में सॉफ्टवेयर बहुत सारे पहले से भरे हुए थे और वो सॉफ्टवेयर के हिसाब से बैठे रहे और उन्होंने अपना टाइम निकाल दिया। लेकिन दुख की बात की टाइम मैनेजमेंट नहीं किया आपने, यानी 1.5 घंटा गुजार दिया। अरे आए थे तो चलो इन्हीं को सुन लें, ऑप्शन तो है नहीं, कोई भी बीच में से उठ नहीं रहा, हम उठेंगे तो सब देखेंगे, स्पेशली आगे वाले ज्यादा संकट में, पीछे वाले तो धीरे से उठ के चले जाएंगे। अच्छा कुछ लोग प्लांट में ही आते, पीछे की सीट पकड़ लेंगे, समझ में नहीं आएगा, धीरे से गेट की तरफ। आप देखिए लेक्चर 10 पे शुरू होना था, कुछ लोग 9:30 पे यहाँ थे, कुछ लोगों को गुस्सा आ रहा होगा जो 9:30 पे यहाँ थे कि हमने 10:20 पे क्यों शुरू किया। सबका साथ सबका विकास ना भाई, क्या करें सब आ जाएंगे। अच्छा हमारी तरफ से व्यवस्था क्या थी, हमारी टीम 9 बजे से यहाँ थी, नहीं इनफैक्ट 8:30 से। मैं कितने बजे यहाँ था? 10 बजे मुझे बोला गया था आपको बोलना है, मैं 9:15 पे यहाँ, 9:15 to 9:20 पे मैं यहाँ पहुंच गया। टाइम मैनेजमेंट, और उससे भी बड़ा जानते क्या है? फीलिंग मैनेजमेंट। बहुत सारे लोगों को फीलिंग मैनेजमेंट अच्छा आता है, यहाँ बैठे हुए इस बच्चे को हो सकता है फ्रेश रूम जाना हो लेकिन नहीं गया, फीलिंग मैनेजमेंट। ये लेक्चर है, थोड़ी देर में चले जाएंगे और कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है, सिर्फ मेंटल ब्लॉक है, इसको आप ब्लॉक को हटाना है, मेंटल को दिमाग को क्या करना है, फ्री
फ्रीडम। अब फ्रीडम का इतना मतलब नहीं है माता पिताजी के रुपया कि हमने बढ़िया कोचिंग में दे दिया, बढ़िया स्कूल में दे दिया, बच्चे को फ्रीडम दे दिया, अब जो मर्जी वो करे। नहीं, आपका कर्तव्य है 12th तक अपने बच्चे का साथ देना है। 12th के बाद मैं भी अपने घर में बच्चों को बोलता हूँ मुझे बताओ क्या चाहिए। अब मैं नहीं बता रहा क्यों, आप कॉलेज में पहुंच गए, नेट का जमाना है, आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है, जो मर्जी करो, आप मुझसे सजेशन लो। 12th तक स्ट्रिक्टली आई एम गिविंग द सजेशंस। माय डियर स्टूडेंट, मेरा तो मन नहीं भरा बोलते बोलते, लेकिन टाइम का मन भर गया है। सो टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ तो मुझे विराम लगाना पड़ेगा। पूर्ण विराम तो ओजस्वी सर लगाएंगे, वो आखिरी में कुछ पॉइंट्स जो है जरूरी वो एनलिस्ट करेंगे जो हमारे आपके सबके काम के लिए है। तो मैं विराम लगाता हूँ और चलते चलते दो लाइन की पोएम जो आपने सुनी होगी वीडियो में, लेकिन वहीं पे मैं अंत करता हूं क्योंकि वही जीवन है। जो है तुम्हारे पास, जो है तुम्हारे पास, साहस, विश्वास और निष्ठा। साहस मतलब करेज, विश्वास फेथ इन योरसेल्फ, फेथ इन योर टीचर, निष्ठा डेडिकेशन, यानी इस लेक्चर को सुन रहे हैं तो सिर्फ इस लेक्चर को सुन रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना खा रहे हैं, खेल रहे हैं तो कुछ खेल रहे हैं, 100% देंगे तभी तो दिमाग रिफ्रेश होगा। जो है तुम्हारे पास साहस, विश्वास और निष्ठा, तो जीत तुम्हारी होगी। यानी जीतने के लिए क्या चाहिए, करेज, फेथ एंड डेडिकेशन। जो है तुम्हारे पास साहस, विश्वास और निष्ठा, तो जीत तुम्हारी होगी, वरना हार तो कब की तुम्हारे साथ है। सोच के देखिए, हारने के लिए कुछ नहीं करना है, वो तो कभी भी हार सकते हैं। बोर्ड में कम मार्क्स चाहिए मत पढ़िए, कोई भी बिजनेस फ्लॉप करना है मेहनत मत करिए, कोई भी जॉब में आसानी से नौकरी छोड़नी है 2-4 दिन लगातार बिना छुट्टी लिए मत जाइए, मतलब लीव दिए। सब कुछ किसके लिए करना पड़ता है, जीतने के लिए। और जीतने के लिए क्या चाहिए, करेज इस उम्र में है, फेथ अपने आप में, यस यू आर द बेस्ट, फेथ अपने टीचर, डेडिकेशन यानी 100% देंगे। अभी इस लेक्चर को सुनने आए थे तो बस यही सुनेंगे और कुछ है ही नहीं। जो है तुम्हारे पास साहस, विश्वास और निष्ठा, तो जीत तुम्हारी होगी, वरना हार तो कब की तुम्हारे साथ है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।